होता है SEO, जिसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, हम आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अक्सर लोग इन टर्म्स से कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी चीजें कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिफाइन करता जाए। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस कह लीजिए, मैं तो कहता हूँ इंसान को भी, आजकल के दौर में हम सब जो है वो एक यूं कहिए प्रोडक्ट है। हमें अपने आप को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, हमें अपने आप को मार्केट में कैसे मंजरे आम पे लाना है, और सिमिलरली हमें अपने बिजनेसेस को, अपने ब्रांड्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह मार्केट में परसीव करवाना है, ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। और विदाउट मार्केटिंग दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। आप बेहतरीन बिजनेस चलाते हैं, आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन है, मगर उसके बारे में किसी को पता नहीं, तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा? मार्केटिंग से पता चलेगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केट करेंगे, चीज को प्रेजेंट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी स्ट्रेंथ्स को आप डिफाइन करेंगे। अब वो कंटेंट के एतबार से भी हो सकती है कि आप किस किस्म का कंटेंट लिखेंगे, किस किस्म की पिक्चर्स डालेंगे, किस किस्म की वीडियोस बनाएंगे, ये सारा जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के एतबार से बहुत जरूरी एस्पेक्ट होते हैं ये सारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग को परसू करते हैं। साकिब प्लीज तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा। काम जी, तो हम बात थैंक यू साकिब। तो हम बात कर रहे हैं कि बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती क्यों है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप कितना ही अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना बनाए आप, मगर अगर दुनिया में लोगों को, या जहां आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहीं पर लोगों को नहीं पता कि आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, तो वो आपसे कोई खरीदेगा नहीं, उस सर्विसेज कोई अवेल नहीं करेगा, आपकी इनकम कैसे होगी, आप पैसे कैसे कमाएंगे। सो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी इंसान के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके बारे में कहा नहीं बिल्कुल जाएगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा बिल्कुल किसी का माइक जो है वो मेरे ख्याल से कटा हुआ है, प्लीज अगर हो सके तो उसको म्यूट कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज आइएगा साके। जी, मार्केटिंग के, ऑनलाइन मार्केटिंग के या किसी भी किस्म की मार्केटिंग के तीन तरीके होते हैं। मेन तरीके उसमें जो प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो एक होता है प्रिंट मीडिया का, जैसे आप अखबारात देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, एनीथिंग दैट इज ऑन अ प्रिंटेड पेपर और ऑन प्रिंट होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स, वट एवर यू कॉल। देन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें आप टेलीविजन और रेडियो की बात करते हैं। एंड द थर्ड मीडियम इज डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया की जब बात होती है तो ऑनलाइन मीडिया की बात हो रही होती है। तो ऑनलाइन मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? वेबसाइट्स होती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दीगर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, टम्बलर हो गया, उसके अलावा पिंट्रस्ट हो गया, अब जो है वो टिकटॉक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? जहां पे लोग सोशली इंटरैक्ट करते हैं। वेबसाइट के ऊपर आप एक अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, लिख देते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं, मगर वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाता। आपने एक वेबसाइट के ऊपर अपना आर्टिकल डाल दिया, आपने वेबसाइट के ऊपर अपनी बिजनेस के बारे में कुछ लिख दिया, मगर वहां पे लोगों का, कस्टमर्स का इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लोग कमेंट्स करते हैं, लोग इनबॉक्स में जो है वो आपसे क्वेरीज आपके साथ शेयर करते हैं, लोग आपको बताते हैं कि हमें क्या चीजें चाहिए, आपकी क्या चीजें अच्छी हैं, आपकी क्या सर्विसेज अच्छी हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज्यादा परसू किया जाता है, या उसको बहुत ज्यादा जो है वो एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। साकिब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा। जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंफॉर्मेशंस शेयर करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको डिटेल्स पता चल सके किसी ब्रांड के बारे में, या किसी जो है वो बिजनेस के बारे में, तो इस लिहाज से सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल मीडिया की बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स मौजूद है, प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, एप्स जिनको एप्लीकेशन फुल फॉर्म में कहा जाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप लोगों के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड होंगी। तो सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस शेयर करने के बेसिक तीन तरीके होते हैं। मैं उसको नॉर्मली, क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैंने बचपन में पीटीवी बहुत देखा है, तो मैं उसको सिंपली पीटीवी से रिप्रेजेंट करता हूँ। पीटीवी स्टैंड्स फॉर जिसको पिक्चर्स, भी टेक्स्ट एंड वीडियो। ये तीन चीजों के साथ ही आप सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर सकते हैं। तो पी स्टैंड्स फॉर पिक्चर्स, आप अक्सर देखते होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर लोग पिक्चर्स शेयर करते हैं अपनी, उसके बारे में लिखते हैं, विच मींस कि वो टेक्स्ट शेयर करते हैं। टेक्स्ट या कंटेंट जो है, या कॉपी कह लीजिए, कैप्शन कह लीजिए, ये सारे टर्म्स एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो टेक्स्ट कुछ ना कुछ लिखा होता है जहां पे आप अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस शेयर करते हैं लोगों के साथ एक्सप्रेस करके। एंड देन वीडियोस, वीडियोस आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर बहुत आती हैं, स्नैक वीडियो के ऊपर है, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स की फॉर्म में आती हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस आती हैं, वहां भी शॉर्ट्स आ गए हैं, यूट्यूब के ऊपर होता है। मतलब एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ईदर इन अ पिक्चर फॉर्मेट और अ टेक्स्ट और कंटेंट फॉर्मेट, और द अदर थिंग इज वीडियो फॉर्मेट। जब भी हम किसी बारे में बात करना चाहें, किसी ब्रांड की प्रमोशन चाहें, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन चाहें, तो हमें ये अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस किस तरह से प्रेजेंट करनी है हमने अपने ऑडियंस को, अपनी टारगेट ऑडियंस को, जिनको हम ये या तो बेचना चाह रहे हैं या जिनके सामने इसकी अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। वी शुड ऑलवेज नो कि कौन सी ऑडियंस को किस किस्म की पोस्ट पसंद आती है। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंजम्पशन है कंटेंट की, वो डिफरेंट पैटर्न से होती है, इंटरेस्ट डिफरेंट पैटर्न से क्रिएट होता है। इसकी भी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग किस्म का कंटेंट क्यों पोस्ट करना चाहिए, या बिजनेसेस अलग अलग किस्म का कंटेंट क्यों पोस्ट करते हैं, वो एक ही पोस्ट हर जगह क्यों नहीं शेयर कर देते। अक्सर लोग शेयर करते हैं मगर वो रिस्पॉन्स वो नहीं मिल पाता जिसकी उनको जरूरत होती है। आई थिंक सोशल मीडिया के एतबार से ये चीजें काफी ज्यादा डिटेल में हो गई हैं। साकिब सर नेक्स्ट स्लाइड पर प्लीज आइएगा। सोशल मीडिया पे मल्टीपल किस्म की
कोलैबोरेशन होती हैं, सोशल मीडिया पे मल्टीपल किस्म की पोस्ट लगाई जाती हैं, सोशल मीडिया पे मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज की जाती हैं, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे जो आप यूं कहिए जो के पोस्ट आती हैं या जो प्रमोशनल एक्टिविटीज चलती हैं, जो मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया पे, वो अलग अलग तरह की होती है। किन किन मेजर फॉर्मेट्स में ये मार्केटिंग हो सकती है, उनमें से कुछ चीजें आप लोगों के स्क्रीन के सामने प्रेजेंट की हुई हैं, जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है, ब्लॉग्स है, कंटेंट कम्युनिटीज है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताऊं। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम से आप सब लोग वाकिफ होंगे और बहुत ज्यादा यूज में है ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इवन टिकटॉक भी बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले जो चीज सिर्फ हंसी मजाक के लिए या यूं कहिए फन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पिछले कुछ अरसे से कोविड के बाद से वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है और उसके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके स्टैट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसकी प्रमोशन के जो नंबर्स हैं, जो हम स्टैट्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको स्टैट्स मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये है कि आपको राइट देयर एंड देन पता चल जाता है कि आपकी पोस्ट कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने उससे इंटरेक्ट किया है, उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसकी एंगेजमेंट कितनी जो है वो ज्यादा क्रिएट हुई है। मैं इन सारे पॉइंटर्स को, इन सारे कीवर्ड्स को आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा कि इनके मतलब क्या है। जिन लोगों को इनके मतलब नहीं पता वो प्लीज परेशान नहीं हो, डिटेल्स जो है मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। तो जब हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव पोस्ट की, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर दो तीन ब्लॉगर्स मिलके या इंस्टाग्रामर्स मिलके एक पोस्ट बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं अपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के ऊपर। या यूं कहिए कि एक इंस्टाग्रामर है, उसकी बहुत अच्छी रीच है, वो एक इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है, उनके पास बहुत बड़ी जो है वो फैन बेस है, वो जो है उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, लाखों में है और मिलियंस के अंदर है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए जस्ट इमेजिन कोई एक ब्रांड है, लेट्स से एक्स वाई जी होटल है, उसने कहा कि जी आप हमारे खाने को, आप हमारी सर्विसेज को, आप हमारी जो है वो जितनी भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको प्लीज आप प्रमोट कीजिए। तो अब इंस्टाग्रामर जो है, जो इन्फ्लुएंसर है, वो बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी एक्टिविटीज रन करता है, दैट इज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के थ्रू वो एक वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के उसके बारे में जो ब्रांड है उसके बारे में कोई ना कोई बात करेगा और उसकी एप्रिसिएशन के बारे में, उसकी सर्विस क्वालिटी के बारे में, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में एक वीडियो बना के वो अपलोड कर देगा और वहां पर एक छोटा सा टैब होता है, एक छोटा सा ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है इनवाइट कोलैबोरेटर। सो कोलैबोरेटर को जब आप इनवाइट करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को टैग करते हैं, वो आपको परमिशन देता है कि यस दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्रामर कैन एक्चुअली have a collaborative video for my brand। तो अब होता यह है कि जब ये पोस्ट कर दिया तो यही पोस्ट दोनों जगह फीचर हो रही होगी, एक इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्रामर की अपनी प्रोफाइल के ऊपर रील्स के अंदर जाके या उसकी पोस्ट फीड के ऊपर, और दूसरी चीज जो है वो जो प्लेटफॉर्म है, जो जो बिजनेस है उसके इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर वो परमिशन देता है तो वहां उसके प्रोफाइल पे भी वो चीज पोस्ट होगी। सो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो है वो आजकल के दौर में, या यूं कहिए पिछले 3-4 साल से आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा जो है वो परसू किए जा रहे हैं। उनकी वजह क्या है? उनकी वजह सिंपल सी है कि एक इंस्टाग्रामर है, एक फेसबुक पे किसी का फैन पेज बना हुआ है, कोई जो है वो टिकटॉक के ऊपर है, कोई जो है लिंक्डइन के ऊपर है। प्लीज किसी का माइक खुला है, जरा बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है। यही सेम पैटर्न जो है वो हो सकता है फेसबुक के ऊपर, सेम पैटर्न लिंक्डइन के ऊपर होता है और सेम पैटर्न जो है वो आपका इस पे टिकटॉक पे हो सकता है। तो अब ये तो ब्रांड और
इन्फ्लुएंसर के बीच की बात होगी, जो अक्सर बिजनेसेस कहते हैं कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है तो कैसे करनी है। एक तरीका होता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, दूसरा तरीका होता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर ही दो इन्फ्लुएंसर्स आपस में मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास फॉलोअर्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं आ रहे, या मैं चाहता हूं कि मेरी जो फॉलोअर्स हैं वो आपके पास आ जाए और आपके फॉलोअर्स जो हैं उनको मेरा कंटेंट भी दिखना शुरू हो जाए। तो कंटेंट शेयरिंग के एतबार से एक स्पोर्ट्स के ऊपर एक जो है वो साहब अगर ब्लॉगिंग करते हैं, या एक प्रोजेक्ट उनका इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बनी हुई है, बहुत अच्छी उनकी इंगेजमेंट है, और दूसरी जो है वो हो सकता है कुकिंग करती हो, तो उनकी एक दो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक कुकिंग करती हैं और एक जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो हाउ अबाउट, ये भी हो सकता है कि वो एक आइडिया लेकर आए। अच्छा, तो उसमें ये हो सकता है कि जो एक स्पोर्ट्स का जो पेज चला रहे हैं वो ये कहें उन खातून से जिनके फूड का या हाँ कुकिंग का पेज है कि आप कुछ ऐसी डिशेस बताइए, कुछ ऐसी रेसिपीज बताइए, कुछ ऐसी चीजें बताइए जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या स्पोर्टमैन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो, उससे एनर्जी भी मिले, उससे वेट लॉस भी उनका जो है वो हो, उससे उनका वेट गेन भी ना हो। तो इस किस्म के कोलैबोरेटिव आइडियाज आजकल आप देख रहे होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्रॉस प्रमोशंस कर रहे हैं, जो कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी अपनी जो है एक्सपर्टीज लेकर आते हैं और वही चीज उन दोनों की प्रोफाइल्स पे शेयर हुई भी होती है। उससे क्या होता है कि जो प्रोफाइल एक ही ऑडियंस है उसको प्रोफाइल बी का कंटेंट जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, वो अगर उनको समझ में आता है, उनको पसंद आता है तो उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, फॉलो करते हैं तो फिर एक इंगेजमेंट फॉर्म हो जाती है। सो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल के दौर। देन देयर आर ब्लॉग्स, ब्लॉग्स से मेरे ख्याल से सब वाकिफ होंगे, एक जमाना था 2005-6-7 से लेके और 2012 तक का, जब रिटन कंटेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, वर्डप्रेस हुआ, वर्डप्रेस तो खैर अभी भी है, ब्लॉग स्पॉट होता था, अभी एक प्लेटफॉर्म है मीडियम के नाम से, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। ब्लॉगिंग में ये होता था कि ये टर्म जो है ब्लॉगिंग ये निकली है वेब लॉग से, तो वेब के ऊपर जो लॉगिंग करते थे या जो राइटिंग करते थे तो ये ब्लॉग्स वहां से निकले। आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, आपको इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, वहां पे आपको कोई ब्लॉग दिख जाता है, कोई वेबसाइट दिख जाती है जहाँ पे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, लिस्टिकल्स ये सारी चीजें मौजूद हैं। दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्लॉग्स और ये शेयर किए जा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपने एक ब्लॉग बनाया किसी भी चीज के हवाले से, लेट्स से 5 ways to market your business on Instagram, तो वो जब आपने एक प्रॉपर एक उसका मैटर लिख लिया, कंटेंट लिख लिया और जब वो पब्लिश कर दिया आपने, लेट्स से वर्डप्रेस की साइट के ऊपर कहीं भी आपने पब्लिश कर दिया, आपने उसका वेब लिंक उठाया जो एड्रेस बार के अंदर होता है, लेट्स से xyz.com/5ways to promote your business on Instagram, अब ये लिंक आपने लिया और ये आपने ट्विटर के ऊपर इसको शेयर कर दिया, आपने फेसबुक के ऊपर शेयर कर दिया, आपने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया, आपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर कर दिया, आपने इसको इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर दिया और उसके साथ आपने कैप्शन, कैची कैप्शन जो है वो प्लेस कर दिया कि डू यू वांट टू नो हाउ टू मार्केट योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया और ऑन इंस्टाग्राम, यू नो दीज काइंड ऑफ कैप्शंस। जब ये आप पेस्ट करेंगे, जब ये आप शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, प्रोफाइल्स के ऊपर, देन आप लोगों को एक ट्रैक्शन कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं, ये मिल जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने ब्लॉग्स भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। देन कंटेंट कम्युनिटीज होती हैं, अभी कंटेंट कम्युनिटीज आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं फेसबुक के ऊपर, जो लोग लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इन ग्रुप्स के ऊपर ये एक बेसिकली ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में जो है वो कंटेंट शेयर किया जाता है, लोग सवाल पूछते हैं, उस सवाल के जवाब में अगर किसी ने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, कोई वीडियो बनाई हुई है जो किसी वेबसाइट के ऊपर है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है या यूट्यूब के ऊपर है, लोग वहां से लिंक्स
जो है वो शेयर करना शुरू करते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मिलना है, आपको भी कंटेंट राइटर चाहिए, तो उसके सारे के सारे कंटेंट पीसेस जो हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। इस तरह से कंटेंट कम्युनिटीज जो है वो डेवलप होती हैं। अच्छा, मैं सवालों के ऊपर आऊंगा एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज आस्क देयर क्वेश्चंस रादर देन टाइपिंग देम, क्योंकि मुझे अभी, मैं अगर पढ़ता हूं इनको तो थोड़ी देर में मैं इन सब सवालों के ऊपर जो है वो रिवर्ट करूंगा। आई थिंक दैट विल बी फाइन विद एवरीवन। एक्सक्यूज मी। देन सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है? जैसे मैंने शुरू में ही बताया था ट्रेनिंग स्टार्ट करने से बिल्कुल शुरू शुरू में ही, कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो मल्टीपल तरह की होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो पिक्चर बेस्ड होती हैं, वीडियो बेस्ड होती हैं, सिर्फ टेक्स्ट यानी कि कंटेंट बेस्ड होती हैं। तो अगर कुछ लोग जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ा पहले इस्तेमाल किया हुआ होगा तो उनको याद होगा कि जो इनिशियल फेज था ट्विटर का या फिर फेसबुक का, उसका जो इंटरफेस होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। तो एक जमाने में सिर्फ कंटेंट शेयर होता था, सिर्फ कैप्शंस शेयर किया जाता था, सिर्फ टेक्स्ट शेयर किया जाता था। तो जब टेक्स्ट शेयर करते थे तो वहां पे पिक्चर्स का इस्तेमाल थोड़ा नहीं होता था, वीडियोस का इस्तेमाल उस जमाने में नहीं होता था, मगर अब वक्त के साथ लोग जो है वो कंटेंट हर किस्म का शेयर करते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का अगर मैं सिर्फ नाम लेना शुरू करूं, सो दे कैन बी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, टम्बलर एंड XYZ। तो अगर देखा जाए तो ये जो टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है और इस पे किस किस किस्म का कंटेंट पोस्ट किया जा सकता है, सो इन अ बर्ड्स आई व्यू, इन अ ग्लेंस, मैं ये कह सकता हूँ कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, मैं बस इसको रन डाउन दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है अबाउट व्हिच आई हैव शेयर्ड इन डिटेल विद यू, एंड देन देयर इज काइंड ऑफ ब्लॉग्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन। कंटेंट कम्युनिटीज होती हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद होती हैं, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। अच्छा, ये सईदा वरदा ने एक सवाल पूछा है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। भाई बहुत सारे तरीके हैं और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सवाल है जिसमें शायद सभी इंटरेस्टेड होंगे। मैं इसका जवाब बिल्कुल बीच में दूंगा, गिव मी 10 to 15 मिनट्स। मैं आपको इस सवाल के ऊपर, मुझे वरदा आप दोबारा याद दिलाइएगा, मैं थोड़ी स्लाइड के बीच तक आ जाऊं, मिड तक आ जाऊं, देन मैं इस पॉइंट को बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर करूंगा। ओके, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? आई एम कमिंग टू दैट। आपको मैं अभी बताता हूं कि सोशल मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है या मार्केटिंग में किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है वो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा साकिब। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक, जिससे कहते हैं कि एक टूल है, इसको इस्तेमाल कर लो। ये सिर्फ इस्तेमाल करने का टूल नहीं है, ये सोच विचार का भी टूल है। इस पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनती है, इस पे एक प्रॉपर जो है वो, जिसे हम कहते हैं कि थिंक टैंक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है या उस चीज को समझना कि इस टूल से हमें क्या क्या मिल सकता है और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर को या सोशल मीडिया मैनेजर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कभी आपको एक सोशल मीडिया प्लान बनाने के लिए दे दिया जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए दे दिया जाए, तो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो तकरीबन 8 पॉइंटर्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन सब के बारे में आपको सोचना होगा। उन सब के बारे में आपको अपनी टीम के साथ, अगर किसी के पास टीम हो तो अपनी टीम के साथ डिस्कस करना होगा, और अपने सीनियर से, अपने जूनियर से और अपनी सेम लाइन मैनेजर्स के साथ, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो डिस्कशन करना होगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो
आपको ये सारे सवालात इन चीजों से रिलेटेड वो ईमेल पे अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए, आपको जरूर पूछने चाहिए, ताकि आप उसके हिसाब से एक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बना के प्रेजेंट करें जो कि एक्सेप्ट भी किया जाए। ऐसा ना हो कि उसको वो कह दें कि अच्छा जी इन्होंने जो प्लान भेजा है वो तो उसमें कुछ डिटेल्स ही ये नहीं है, उसमें कोई बैकग्राउंड स्टोरी ही नहीं है। प्लान तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो भी ब्रांड है उसकी जो टॉप लेवल बहुत मैनेजमेंट, उसकी थॉट प्रोसेस, उसको जल्दी किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसको किस तरह से शोकेस करना है। इसलिए हम एक टर्म यूज करते हैं ठीक सीईओ थॉट लीडरशिप। यस, इसको आप सीईओ के बजाय एक और टर्म दे सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट थॉट लीडरशिप। तो आपकी जो लीडरशिप है वो किस तरह से सोचती है, क्या वो इनोवेशन को अप्रिशिएट करती है, या वो कहती है नहीं हम जिस तरह से बिजनेस करते चले आए हैं हम बस वैसे ही बिजनेस करेंगे, या वो ये कहते हैं कि हम नहीं जी, हम नए न्यू ब्लड को, हम जो हमारे नए वो हैं बच्चे हैं जो इस फील्ड में पढ़ के आए हैं हम उनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, या नहीं जिनका एक्सपीरियंस सिर्फ है हम उनको रखना चाह रहे हैं। सो इस किस्म की चीजों को पहचानना और उसके बारे में सोशल मीडिया पे उसको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एक बिजनेस के लिए सेलिंग पॉइंट नहीं है, इसको भी याद रखें। बहुत से लोग कहते हैं सोशल मीडिया सिर्फ सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, सेल्स के साथ साथ ब्रांड परसेप्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप अपने बिजनेस को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप क्या चाहते, आप ये आप वो क्या चीज है जो अपने बिजनेस नेम के साथ मुंसलिक करना चाहते हैं। जैसे अगर हम कोई ब्रांड की बात करें तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेते हैं, हम कहते हैं हाँ ये पायदार है, हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग है, हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका टेस्ट अच्छा है, ये हेल्दी है। ये जो टर्म्स हैं ये किसी भी ब्रांड के साथ जब एसोसिएट होते हैं तो असल काम ये भी होता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट करें कि वो ब्रांड या वो बिजनेस उस चीज को प्रोवाइड करता है। आप सोशल मीडिया और मार्केटिंग दोनों को मिलाया हुआ है ना, मार्केटिंग वही होती है कि आप कहें ये बहुत पायदार है, ये खरीद लो, ये काफी लंबा चलता है। अब आपके दिमाग में फौरन कोई ना कोई, हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई नाम आया होगा किसी ब्रांड का, कि अगर मैं कहूँ ये जूता लंबा चलता है, या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये बहुत अच्छी है, ये रिफ्रेश कर देती है, ये आपको एनर्जी दे देती है। तो इस किस्म की ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करना वो भी सोशल मीडिया के थ्रू की जाती है। देन आप इनोवेशन को कितना जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, ये जितनी भी जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं ये आप लोग साकिब से बिल्कुल ले सकते हैं, जिसको भी सेशन के बाद चाहिए हो प्लीज। और उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ कि इनोवेशन, आप कितनी ज्यादा इनोवेशन चाहते हैं अपने ब्रांड के साथ अपने बिजनेस के अंदर। इन चीजों को मैं जल्दी जल्दी रैप करूंगा क्योंकि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सवालात यहाँ दिख रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर बाद में जल्दी से आऊंगा। एंड दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एंड देन फिर एक और पॉइंट होता है मार्केटिंग टूल की जो हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनता है, उसकी प्रॉपर प्रमोशन की जाती है। पीआर का मतलब है पब्लिक रिलेशन, आप किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप किस तरह लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं। बहुत से आपने पेजेस देखे होंगे, सो मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो पेजेस का टर्म यूज करूंगा क्योंकि बिजनेसेस पेजेस बनाते हैं, इंडिविजुअल्स आप और मेरे जैसे लोग प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो बिजनेस का बनता है पेज। अपने पेज के ऊपर किस किस्म का कंटेंट शेयर करते हैं, किस किस्म की वो आइडियाज शेयर करते हैं, किस किस्म के सवालात शेयर करते हैं, ताकि उनकी ऑडियंस उनके फॉलोअर्स उनसे इंगेज करें और किस तरह से करें। देन देयर इज इंटरनल कॉम्स। इंटरनल कॉम्स क्या होता है, इंटरनल कॉम्स होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, आपको आपस में किस तरह बात करनी है, ईमेल्स के ऊपर, मेमोज के ऊपर, आपकी जो इंटरनल न्यूज़लेटर बनता है उसमें क्या शेयर करना है। सो सेल्स की बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, रिक्रूटमेंट एंड एचआर की बात करें, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह की पोस्ट शेयर की जाती है। आपने देखा होगा किसी बिजनेस को अगर आप फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर
ये भी आता है कि हम ये पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो उसको उसके लिए कोई इंडिविजुअल कोई कैंडिडेट हायर करना चाह रहे हैं, तो वो एचआर का एक रोल होता है, वो एक एचआर की रिक्वायरमेंट होती है जो सोशल मीडिया के थ्रू शेयर की जाती है। आपके पास एक पोस्ट आती है उसी ब्रांड की कि हमारे पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आज से लेके आइंदा 2 दिन तक जो है वो 50% सेल हो रही है, या 25% का सेल ऑफर आया हुआ है, और ये आप चीजें जो है वो शेयर करते हैं। देन कस्टमर सर्विस, अगर आपको आज कोई प्रॉब्लम आती है आपके नेटवर्क के हवाले से, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के फेसबुक ट्विटर के ऊपर जाके आप अपनी कंप्लेन लॉग करेंगे। आपके जो इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग हैं, तो वहां पे आप उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके अक्सर अपनी शिकायत करते होंगे। मैं कराची से हूं तो मैं अक्सर जाके अपनी कंप्लेन जो है वो किसी ना किसी ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर करता हूँ कि भाई मुझे सुबह 5 बजे से जो है वो अब तक लाइट नहीं आ रही है, तो प्लीज बताएं क्या करें। हम अब फोन कॉल्स कम करते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस या टेक्स्ट या इनबॉक्स ज्यादा शेयर करते हैं। आप देखिएगा आप लोगों की लाइफ के अंदर भी ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अब आप लोग फोन पे बात कम करते होंगे, दैट इज वॉइस कॉल्स वगैरह। आप हो सकता है व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस कम्युनिकेट करते होंगे, आप बहुत से मैसेज जो है वो ट्विटर के ऊपर डायरेक्ट मैसेज में करते होंगे, इनबॉक्स में करते होंगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम सोशल मीडिया का यूज बढ़ गया है, और ब्रांड्स को भी ये चीज पता है कि कोई भी जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट मार्केट है, वो अब फोन करके हमसे बात नहीं करती है, वो सोशल मीडिया के ऊपर हमसे राइट देन रिस्पॉन्स चाहती है। तो इसीलिए ये सारे जो मैंने एक पॉइंट बताया है कि इट्स नॉट जस्ट अ मार्केटिंग टूल, इट्स अ 360 डिग्री इमेज बिल्डिंग, मार्केटिंग, बिजनेस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट। साकिब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा। ओके चार पांच जना अपनी टीम थैंक यू साकिब। अच्छा, जो बात मैंने अभी की थी कि एक जो पिछली स्लाइड पे जो चीज थी, मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा कि एक स्ट्रैटेजी बनती है सोशल मीडिया को जस्ट ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए। अक्सर बिजनेसेस में देखा है कि लोग कहते हैं सोशल मीडिया का पेज बना लो और उसके ऊपर जो भी चीजें हमारी वो पोस्ट करते रहो। इस तरह से नहीं होता, या इस तरह से होना नहीं चाहिए, होता तो अक्सर जगहों पे ऐसे ही है, तभी उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। सबसे पहले एक विजन क्रिएट होता है कि आप अपने इस पेज से क्या चाह रहे हैं, आपको क्या इस पेज से अपने अचीव करना है। तो सबसे पहली चीज, आप एक विजन बनाते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने पेज पे किस किस्म का कंटेंट डालना है, मुझे अपने पेज के ऊपर किस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। अगर आपका ब्रांड यंगस्टर्स में, टीनेज में ज्यादा पॉपुलर है, या उसकी रिक्वायरमेंट टीनेज के हवाले से, तो अपनी लैंग्वेज को, अपने कंटेंट को आपको उस तरह का रखना है। तो ये टोन ऑफ योर कैप्शन है, या डिजाइन में किस तरह की पिक्चर्स आप शेयर करेंगे, किस तरह की वीडियोस आप शेयर करेंगे, ये आइडिया आपको मिलता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, कौन है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो सीनियर पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, तो आपका जो राइटिंग स्टाइल होगा कैप्शंस का, आपका जो प्रमोशन स्टाइल होगा, आपका जो कंटेंट क्रिएशन का स्टाइल होगा, वीडियोस का स्टाइल होगा, पिक्चर्स शोकेस करने का स्टाइल होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इन पॉइंटर्स को जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि विजन क्या होगा, देन गोल्स क्या है, उससे अचीव क्या करना चाहते हैं। अचीव ये करना चाहते हैं कि शुरू के पैसेज के अंदर, शुरू में हमें जो है वो बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, या हमें क्वेरीज चाहिए। अगर आप एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसके अंदर एक पिक्चर है, तो उसके नीचे क्या कमेंट्स आप चाहते हैं, उसके नीचे आप उसको शेयर करवाना चाहते हैं, या उसके बारे में आप ये चाहते हैं कि लोग उसके बारे में आपसे इनबॉक्स करके सवाल पूछें कि ये कितने की है, ये कहाँ अवेलेबल है, क्या ये फलाने शहर में भी आपकी ब्रांच जो है वहां अवेलेबल है, या फ्रेंचाइज अवेलेबल है या नहीं है। तो ये है वो गोल जो आपने अचीव करना है। सेल्स भी एक गोल गोल्स के अंदर ही आती है कि आपने अचीव क्या करना है, सेल बढ़ानी है अपनी, तो वो आपका एक गोल है। तो सबसे पहले दो एलिमेंट्स जो हैं, विजन एंड गोल्स, अगर ये क्लियर हो गए, तो गोल के बाद आती है आपकी बात टास्क की, यानी कि ये करना कैसे है।
विजन आपको पता है जी, मुझे 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर यहाँ पहुंचना है, या अपने ब्रांड का इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करना है। उसके लिए मेरा गोल ये होना चाहिए कि इमीडिएट गोल ये है, 3 से 6 महीने में मुझे ये चीज चाहिए, या ये इस किस्म के कमेंट्स चाहिए, इस किस्म का रिस्पांस चाहिए फ्रॉम माय टारगेट ऑडियंस, 1 साल में कितना चाहिए, क्या चाहिए, और फिर टास्क आते हैं कि इसको अचीव कैसे करना, यानी कि मुझे पोस्ट लगानी है, पोस्ट लगानी है तो उसके अंदर किस किस्म का कंटेंट शेयर करना है, कंटेंट के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है इन सब को देखते हुए बनाई जाती है, और विदाउट स्ट्रेटजी सोशल मीडिया मार्केटिंग या इनफैक्ट कोई भी मार्केटिंग लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। शॉर्ट रन में आपको थोड़ा सा वो एक बूस्ट मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे, मगर उसको सस्टेन करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना होगा, और अपनी स्ट्रैटेजी को 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 2 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन आपको उससे क्या क्या अचीव हो रहा है, उसको थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी उम्र भर नहीं चल सकती, उसको आपने थोड़ा 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 ट्वीक करना जरूरी होगा आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज आइएगा साकिब। अब ये स्ट्रैटेजी के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग या तो जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं सोशल मीडिया की फील्ड में, या जो लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं या करना चाहते हैं, तो बगैर स्ट्रैटेजी के, जो मैंने कहा कि बगैर स्ट्रैटेजी के आप 1 2 महीने 3 महीने तो बहुत ज्यादा खुश होके करेंगे काम, उसके बाद स्टेल हो जाएगा वो जो लेवल है, ऊपर नहीं जाएगा, या तो वो बिल्कुल स्टैटिक रहेगा या वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी के साथ काम करना ही जरूरी होता है। तो स्ट्रैटेजी के हमने एलिमेंट्स देख लिए थे क्या क्या थे, अब हम आते हैं उन प्रोसेसेस के ऊपर कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उसको किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। सबसे पहले आपने जो है वो सिर्फ देखना है कि लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट में ऐसी क्या चीज है जो नहीं है और आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मार्केट में आपके पास एज किस चीज के ऊपर, उसके बारे में सोशल पूरा मीडिया पर कंपटीशन को बताओ, कर देगा अगर। उसके ऊपर आप एक वीडियो शेयर कर दीजिए, उसके ऊपर आप एक पिक्चर क्रिएट कीजिए, डिजाइन कीजिए, एंड देन ये सोचिए कि उसके अंदर किस किस्म के टर्म्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि टर्म्स बहुत जरूरी होते हैं, लव्स बहुत जरूरी होते हैं, राइट ऑडियंस को राइट वर्ड्स आप अगर शेयर कर दें तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन। उसके बाद उनको सिर्फ ट्राई करना होता है, इम्पल्स क्रिएट करनी होती है कि वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, एंड देन डील कैन बी लॉक्ड या क्लोजर हो सके। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आपने ये देखा मार्केट के अंदर, लिसन से मुराद के मार्केट के अंदर ये ऑब्जर्व किया क्या क्या चीजें हैं जहां पे आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, देन उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस पे आपने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया अपने कुलीग्स के साथ, या आपने रिसर्च की, रिसर्च बहुत जरूरी होती है कि किस किस्म के ब्रांड को किस किस्म की जो है वो डिपिक्शन चाहिए, उसको शोकेस किस तरह से करना है, एंड देन उसको एक्टिवेट करना, उसको प्रोसेस में लेकर आना, जिसका मतलब है वो एक पोस्ट बनाना, बना के शेयर करना, एंड लेटर उसको रिव्यू करना। रिव्यू कैसे करेंगे, जब उस पर रिस्पॉन्सेज आएंगे, या तो रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे या मिड लेवल आएंगे, तो उसको ऑब्जर्व करना है, 2 से 3 पोस्ट बनाएं, उसको शेयर करें, देखें किस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, देन आफ्टर दैट रिव्यू, आप रिव्यू कीजिए कि आपकी किस पोस्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, जिस पोस्ट पे एंगेजमेंट जो कि कमेंट्स के जरिए पता चलती है, लाइक्स के जरिए पता चलती है, शेयर्स रीशेयर्स कोट रीट्वीट किस जरिए पता चलती है, यहां से आपको अंदाजा होगा कि इंगेजमेंट कितनी क्रिएट हुई है, जिस जिस पोस्ट पे आपको इंगेजमेंट ज्यादा दिखे अपने रिव्यू के दौरान, आप उस किस्म का फॉर्मेट फॉलो कीजिए और अपने फ्यूचर में उस किस्म की पोस्ट बनाइए, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस या आपकी जो पेज के ऊपर जो ऑडियंस है वो उस किस्म का कॉन्टेंट देखना चाहती है। तो ये प्रोसेस जो है इसको जरूर जो है वो अपने माइंड में रखिएगा,
स्ट्रेटजी और प्रोसेस के बगैर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो मुंह के बल गिर पड़ती है। अक्सर लोगों को जरूरत होती है, देख रहे होते हैं, जब स्ट्रेटजी नहीं होती फौरन वो आपकी सोशल मीडिया पेज को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पेन आजकल 2 से 3 सेकंड्स है, इससे ज्यादा का नहीं है। तभी आप देखते होंगे वीडियोस के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर, रील्स के ऊपर, शुरू के 3 से 5 सेकंड में अगर किसी ने अटेंशन ले ली तो ले ली, वरना वो आप लोग ही उसको स्क्रॉल अप करके आगे निकल जाते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा। अच्छा, इस पे मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सभी को इसके बारे में अंदाजा होगा और मैं काफी बार ये रिपीट कर चुका हूँ इन द स्लाइड्स कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान में कौन कौन से एक्टिवली इस्तेमाल होते हैं। उसमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड टिकटॉक। सो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी अपना पेज या अपनी प्रोफाइल बनानी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर प्लीज आइए। अब हम बात करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, अगर आपने प्रोफाइल बनानी है तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, पेज बनाना है तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, पोस्ट शेयर करनी है तो क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना है, आर्टिकल्स और इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, तो इसको भी मैं क्विकली रन डाउन दूंगा। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आप अपने लिए कुछ कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि इस प्रोफाइल के ऊपर जो आपके सामने है वो कुछ कीवर्ड्स मौजूद हैं। वो कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले जो पोजीशन है जहां पे जॉब हो रही है, जो जॉब टाइटल है, आपने वो ले लिया सबसे पहले, सीनियर मैनेजर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। देन आपने कहा कि अच्छा जी, मेरे इंटरेस्ट के अंदर क्या चीज है, कि मुझे किस किस्म के काम चाहिए या मुझे किस किस्म का काम मैंने किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटजीज लिख लिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर ली, इनबाउंड मार्केटिंग कर ली, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग कर ली। लोग यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, प्रेस रिलीज लिख सकते हैं, इसके साथ साथ एडिटोरियल्स का टर्म यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स की बात कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग की बात कर सकते हैं, जो कीवर्ड आपको लगते हैं, 3 से 5 कीवर्ड्स जो आपको लगते हैं कि आपकी प्रोफाइल को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, वो कीवर्ड्स आप जरूर लिखें। उसके बीच में या तो कॉमा डाल दीजिए या ये आप एक लाइन डाल दीजिए, जैसे आपको प्रेजेंट करना है प्रेजेंट कीजिए, ताकि लोग उस पे थोड़ी सी अटेंशन दे सके। तो प्रोफाइल के अंदर ये वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं जो आपको जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। सिमिलरली आपका एक पेज होता है, पेज में आप ये कर सकते हैं कि अपने बिजनेस के बारे में लिख लीजिए, अपनी सर्विसेज के बारे में लिख लीजिए, एक अच्छा सा बैनर बनाइए, उसके बाद आप इसके साथ जो है वो अपनी पेज को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, एंड अगर हो सके किसी का आपने काम करके दिया हो उससे टेस्टिमोनियल जरूर लीजिए। टेस्टिमोनियल इज लाइक एन एफर्मेशन कि ये शख्स या ये बिजनेस जो है वो मुझे एक अच्छी सर्विस, क्वालिटी सर्विस जो है वो दे चुका है। तो इसका ख्याल रखिए पेजेस के लिहाज से। पोस्ट जब कीजिए तो पोस्ट का जरूर ये ख्याल रखिएगा कि विद इन अ वीक हम रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम 2 to 3 पोस्ट। आप मंडे कीजिए, आप वेंसडे कीजिए, आप फ्राइडे कीजिए, आप कोई ऑल्टरनेट डे के ऊपर पोस्ट कीजिए। एंगेजमेंट देखिए कैसी आ रही है, और उसके साथ साथ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं या सिर्फ कंटेंट शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग हैशटैग्स यूज करते हैं, जैसे वेंसडे को लोग यूज करते हैं वेंसडे विजडम, या थर्सडे को एक हैशटैग यूज होता है थ्रो बैक थर्सडे। इन सबके अपने अपने मतलब होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट हैशटैग्स टू बी यूज्ड ऑन एवरी डे और ऑन मल्टीपल डेज ऑफ द वीक। तो इसके साथ आप आर्टिकल्स शेयर कर सकते हैं। स्लाइड थोड़ी पीछे कर लीजिए साकिब, ये काफी आगे आ गए हैं। हम लिंक्डइन के ऊपर थे। इसके बाद आइए प्लीज। इसके बाद
लिंक्डइन वाला पेज था, लिंक्डइन वाली साइट पे चल जाइए प्लीज, पीछे था। थैंक यू। अच्छा अब आर्टिकल्स शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। उसके बाद ये होता है कि अब इन चीजों को शेयर करने के बाद आपने इफेक्टिवनेस देखनी होती है कि कितना ज्यादा जो है वो आपके आर्टिकल्स या आपकी पोस्ट जो है वो लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं, उस पर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सो आगे प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। इसके बाद थैंक यू। अच्छा फेसबुक की जो प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो अगेन इसमें प्रोफाइल्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, पेजेस भी हैं और एडवर्टाइजिंग होती है। तो प्रोफाइल्स तो आप लोग वाकिफ होंगे, सबकी अपनी प्रोफाइल्स भी होंगी, सब लोग फेसबुक के ऊपर मौजूद भी होंगे, तो प्रोफाइल्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। आई विल स्ट्रेटली जंप टू ग्रुप्स। बहुत से बिजनेसेस ग्रुप्स बनाते हैं ताकि उनको पता चल सके कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर्स क्या क्या चीजें चाहते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस मॉडिफिकेशन चाहते हैं, उनको फीडबैक कैसे आता है। तो ग्रुप्स क्रिएट करना फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी बिजनेस ऑन सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रुप्स के थ्रू आपको पता चलता है कि ऑडियंस, टारगेट मार्केट किस चीज की डिमांड कर रही है, क्या चीज चाहती है। तो ग्रुप्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो ग्रुप्स बनाते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक खुला हुआ है, थैंक यू। फिर हम बात करते हैं पेजेस की। अगेन जिस तरह से हमने लिंक्डइन के पेज की बात की थी, फेसबुक पे भी उसी तरह का पेज आर्टिकल भी करके वो हुआ। देन एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे मेरे ख्याल से आसान एडवर्टाइजिंग में शुमार होती है, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिस्पॉन्स मिले। इसमें डेमोग्राफिक्स होती है, इसमें रीजन के बारे में आप बता सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मार्केटिंग करनी है, मुझे इस एज ब्रैकेट के पास ये पोस्ट अपीयर करवानी है, और मुझे कितने अरसे तक, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितनी ड्यूरेशन तक ये एड जो है वो रन करना है। एज पर द अमाउंट दैट यू विल स्पेंड ऑन फेसबुक एड्स, you will get an estimated number of audience to which it will reach. उसके साथ CPC कितना होता है, that is cost per click, और कितने लोग उसको देखते हैं, कितनी eyeballs उसके ऊपर आती हैं, कौन जो है वो उसके साथ engage करता है, ये सारी वो चीजें होती हैं जो कि आप एक advertising के through पता कर सकते हैं of Facebook. तो ये सारे points जो हैं इनको बहुत मेरे ख्याल से क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप मल्टीपल एडसेट्स बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। मल्टीपल एडसेट्स का मतलब ये है कि आप एक ही चीज को दो तीन अलग तरीके से मार्केट कीजिए। ए बी टेस्टिंग एक चीज कहलाई जाती है, तो ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है आप एक ही चीज दो तरीके से रन कीजिए, और जब आप दो तरीके से रन करेंगे तो उसके रिस्पॉन्सेस आपको दो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। जिसपे ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है, जिसपे ज्यादा आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है, आप उसको अचीव कीजिए, आप उसके लिए मजीद पोस्ट वैसी बनाइए। और सलमान प्लीज अपना, अगर आप म्यूट कर सकें अपना माइक। शुएब आपकी आवाज आ रही है, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा जो कि ट्विटर की है। अच्छा आजकल ट्विटर जिसको एक्स भी कहते हैं, नया नाम उसका एक्स है, वो काफी ज्यादा डिस्कशंस के अंदर है। ये जो वर्दा का सवाल था, ऑनलाइन अर्निंग की बात अगर की जाए, सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग की बात की जाए, मैं एक से दो स्लाइड के बाद इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, क्योंकि आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं थोड़ा बता चुका हूंगा तब तक। तो
ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्क है। माइक्रो इसको क्यों कहा जाता है? माइक्रो इसलिए कहा जाता है कि एक आज से कोई 3-4 साल पहले ट्विटर की जो कैरेक्टर लिमिट थी, वर्ड लिमिट नहीं कह रहा, कैरेक्टर लिमिट कह रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर ये 6 वर्ड्स हैं, मगर इसके अंदर कैरेक्टर्स बहुत सारे, जैसे आई स्पेस AMM। अब IM जो है वो 4 कैरेक्टर्स हो गए, तो कैरेक्टर्स में और लेटर्स में और वर्ड्स में फर्क है। तो सोशल ट्विटर के ऊपर तकरीबन 240 के करीब जो होता था, या 220 के करीब जो है वो कैरेक्टर लिमिट होती थी। आप इससे ज्यादा ट्वीट नहीं कर सकते थे, वो आपको ट्वीट पोस्ट नहीं करने देता था। तो इसलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्क कहा जाता था। इसमें टू द पॉइंट बात कैसे करनी है, ऑन द स्पॉट कैसे बात करनी है, लिमिटेड वर्ड्स के साथ अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। मगर अब जिनके पास ब्लू टिक अकाउंट्स हैं, जो वेरिफाइड हैं, वो सब जो है बड़ी बड़ी ट्वीट्स भी कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर लिमिट भी ऐसा सच नहीं है। तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्क है, तो सबसे पहले तो इसको ये समझने की जरूरत है। लोगों की चॉइसेस को ये इन्फ्लुएंस करता है, कैसे करता है? आप देखिए आजकल कितने सारे हैशटैग्स जो हैं वो इस वक्त पैनल के ऊपर होंगे। सो ट्विटर के ऊपर एक राइट हैंड साइड पे एक पैनल होता है जिसपे 10 हैशटैग्स आ रहे होते हैं, जो कि टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं वर्ल्ड के, कंट्री के, रीजन के, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ का सर्च करते हैं। 5 जो है वो इमीडिएटली आप देख रहे होते हैं, और फिर शो मोर का नीचे ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करते हैं तो मजीद भी 5 देख सकते हैं। तो दैट इज 10 हैशटैग्स जो है, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस ऑन द पैनल, ऑन द इंटरफेस राइट हैंड साइड के ऊपर। तो आपको पता चलता है कि दुनिया में इस वक्त किस किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्विटर के ऊपर। हैशटैग 2 से 3 इस्तेमाल करने चाहिए, इससे ज्यादा अपनी ट्वीट के अंदर हैशटैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेलिवेंट हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए। हैशटैग क्या होता है? अगर आप किसी सोशल मीडिया के बारे में पोस्ट कर रहे हैं तो हैशटैग सोशल मीडिया विदाउट स्पेस ये आपने लिखना है, और सोशल मीडिया के हवाले से ही बात करनी है। आप सोशल मीडिया के हैशटैग के ऊपर कंटेंट राइटिंग की बात मत कीजिएगा। आप कंटेंट राइटिंग के हैशटैग के ऊपर सोशल मीडिया की बात मत कीजिएगा। तो क्या होता है कि आपके हैशटैग्स जो हैं उनमें वेटेज आती है, उनमें इंपॉर्टेंस आती है कि लोग आपके हैशटैग से कंटेंट ढूंढ सकते हैं। आप अगर सर्च करें सोशल मीडिया, लिख के हैशटैग सोशल मीडिया विदाउट स्पेस और एंटर करें, तो आपको दिखेगा कि लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में क्या क्या, कितनी कितनी, कहाँ कहाँ बातचीत की हुई है एक्सक्यूज मी, या कहाँ कहाँ ट्वीट की हुई है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैशटैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग स्टफिंग नहीं करनी। स्टफिंग का मतलब बहुत सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल नहीं करना। हैशटैग 2 रखिए, 1 रखिए, मैक्सिमम 3 रखिए अगर बहुत ज्यादा अच्छा जरूरत है, मगर रेलिवेंट रखिए। बिना वजह के हैशटैग्स अपनी ट्वीट्स में इस्तेमाल मत कीजिए। देन मार्केटर्स ट्विटर यूज क्यों करते हैं? आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर लोग जो है वो हर चीज ट्वीट करते हैं। अगर ट्रैफिक में फंस गया हूं मैं, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो मैं सबसे पहले एक ट्विटर पर एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर @ करके उनसे पूछूंगा, भाई ये वाली साइट ब्लॉक क्यों है और मुझे कोई ऑल्टरनेट रास्ता बताइए। ये मैं नॉर्मली करता हूँ, तो वहां से एक रिस्पांस आ जाता है मुझे कि जी आप ये वाला रास्ता ले लीजिए, इस जगह पे जो है वो कोई धरना हो रहा है, इस जगह पे कोई जो है वो ब्लॉकेज है, इस जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस जगह पे जो है वो कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो बेसिक पॉइंट इज मार्केटर्स को इस चीज का पता है कि ट्विटर एक्टिवली यूज होता है, तो ट्विटर के ऊपर अपनी ब्रांड की प्रमोशन करनी चाहिए, हैशटैग्स इस्तेमाल करने चाहिए, पिक्चर्स शेयर करनी चाहिए, जो लोग वीडियोस शेयर करते हैं ब्रांड्स वीडियोस भी शेयर करते हैं, और उसके बाद ट्वीट करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा आपको देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए। वो क्या होते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। ट्वीट लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ की जाए, ट्वीट में रेलिवेंट हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जाए, ट्वीट टू द पॉइंट हो, ट्वीट में कहानियां ना लिखें,
और ट्वीट डायरेक्ट की जाए आपकी ऑडियंस के लिए, ताकि वो इंटरेस्ट लेके आपकी ट्वीट को पढ़ें या उससे एंगेज करें। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एटिकेट ऑफ ट्वीटिंग, इसको जरूर अपने दिमाग में रखिए। इस पे वेबसाइट पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं। पैनल की हम बात करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, राइट हैंड साइड के ऊपर होता है। आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है अगर पता करना है, तो आप राइट पैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं क्या डिस्कशंस वहां पे चल रहे हैं। आपको अगर पता करना है कि लाहौर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, सो यू कैन जस्ट गो फॉर द पर्टिकुलर रीजन और देख सकते हैं कि वहां पे किस टॉपिक पे बात की जा रही प्लीज है। प्लीज ट्रेंड्स तो दिमाग में रखिएगा, मैं ट्रेंड्स पे दोबारा आऊंगा। ऑनलाइन अर्निंग की बात की थी, तो ऑनलाइन अर्निंग का एक सबसे इंटरेस्टिंग तरीका ट्रेंड्स भी होता है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स रन करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, आपके गवर्नमेंट भी करती है, सब लोग आजकल के दौर में ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो वो ट्रेंड कैसे किए जाते हैं, उस ट्रेंड का मॉनेटरी डायनामिक्स क्या है, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो आप देखते होंगे जितने हैशटैग्स हैं जो राइट हैंड साइड के पैनल के ऊपर आते हैं, ये अक्सर ट्रेंडिंग के थ्रू ही आ रहे होते हैं, विदाउट ट्रेंडिंग नहीं आ रहे होते। या कोई ऐसी चीज हो गई कि लोग इस पे बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। फिर आते हैं जो सबसे बेसिक चीज होती है, दैट इज बायो, इंट्रो एंड सर्च फ्रेंडली। जिस तरह आपको याद होगा मैंने लिंक्डइन के बारे में आपको कुछ कीवर्ड्स का बताया था, उसी तरह ट्विटर के ऊपर भी कुछ हैशटैग्स इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्च के अंदर अपीयर होना शुरू हो, आपकी प्रोफाइल है जो कि सोशल मीडिया के बारे में बात करती है, मगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर सोशल मीडिया का हैशटैग ही नहीं डला हुआ, तो लोग आपको सर्च कैसे करेंगे? आपको सर्च करने का मकसद है कि वो सोशल मीडिया के टॉपिक को सर्च करना चाह रहे हैं, जहां पे आप अगर अच्छी बात कर रहे हैं, रेलिवेंट बात कर रहे हैं, या यूं कहिए ऑथेंटिक मुस्तनद बात कर रहे हैं, तो लोगों को पता तो हो कि आप ये बात कह रहे हैं, ताकि वो आपको फॉलो करें, और फ्यूचर में अगर आप कुछ सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो उनसे वो मिस ना हो। तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर ट्विटर की आप जरूर बायो भी लिखिए छोटा सा, इंट्रो भी डालिए, और सर्च फ्रेंडली जो हैशटैग्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं, या आपको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बातचीत या सबसे ज्यादा ट्वीट्स मैं इस पर्टिकुलर हैशटैग पे करता हूं, तो वो 2 से 3 हैशटैग जरूर अपनी प्रोफाइल के ऊपर प्लेस कीजिएगा जो आपको डिस्क्राइब कर। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा साथ में। ट्रेंड्स साकिब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा इंस्टाग्राम की। थैंक यू साकिब। अच्छा जी, लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल क्यों करते हैं? आजकल पॉप कल्चर के अंदर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इंस्टाग्राम फ्रेंडली हो गए। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्विटर के ऊपर लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि अगर आप ब्रांड्स की प्रमोशन की बात करें, अगर आप बात करें कि इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, अवेयरनेस कहाँ से क्रिएट हो रही है, वीडियोस, इंस्टेंट वीडियोस, जहां पे आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सर्विस के बारे में पता करना है, आप फॉरन इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं, आप पूछते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो ये कैसी है, इनबॉक्स के अंदर आप बातचीत कर सकते हैं। दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई इंस्टाग्राम इज रिसेंटली वेरी 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 कॉमन इन पाकिस्तान। पिछले कुछ अर्से से इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई है, लोग जो वो ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी किस्म का बिजनेस हो, लोग देन डायनामिक्स बदल चुकी है मार्केट की। अब लोग हो सकता है टीवी पे एड प्लेस करने से ज्यादा ये कहें कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर एड प्लेस करना है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टारगेट ऑडियंस। अगर किसी की टारगेट ऑडियंस अर्बन पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स हैं, तो वो
इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी मार्केटिंग चाहते हैं, किसी की टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो कहती है कि जो चाहते हैं कि वो थोड़ी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास हो, जिनके पास स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो, जिनके पास स्पेंडिंग पावर मौजूद हो, वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। सो ये वो डायनामिक्स है जो कि चेंज हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और इंस्टाग्राम जो है बहुत एक्टिवली एज अ मार्केटिंग, एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखिए, उस पर कॉन्टेंट अच्छा पोस्ट कीजिए, उस पर एंगेजमेंट लेकर आइए। दीज आर द वेज थ्रू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको जो टारगेट ऑडियंस है वो पता चलती है। अगर आप एक पोस्ट करते हैं उस पर लाइक्स आ रहे हैं, उस पर व्यूज आ रहे हैं, उस पर कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो यू कैन इजिली स्क्रॉल देम। आप उनकी प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, प्रोफाइल देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि आपकी किसी भी पोस्ट के ऊपर किस किस्म का एंगेजमेंट आ रहा है। अगर वो शख्स आपके पास दोबारा आ रहा है आपकी वीडियोस देखने के लिए, आपका कंटेंट, आपकी पिक्चर्स देखने के लिए, विच मीन्स आपने एक ऑडियंस अपनी क्रिएट कर ली है, और इस ऑडियंस की बेस के ऊपर आप किसी भी ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं और बता सकते हैं, मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास इतनी सारी वीडियोस हैं, और मैं इस किस्म का कंटेंट बनाता हूँ, इस किस्म की वीडियो बनाता हूँ, इस किस्म की पिक्चर्स क्लिक करता हूँ, उसके बारे में ये चीजें लिखता हूँ, तो मैं आपके ब्रांड को अपनी प्रोफाइल के जरिए प्रमोट कर सकता हूँ। सो दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक वे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और उससे किस तरह से अर्निंग की जा सकती है। और भी चीजें मैं थोड़ी डिटेल में आप बताता हूँ। देन बिजनेसेस के लिए भी इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, उसमें मल्टीपल फीचर्स और होते हैं, डिटेल्स होती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, उसमें प्रमोशन आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग दिए जाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस अफोर्ड कर सकता है देन गो फॉर दी इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, अदरवाइज जो बेसिक इंस्टाग्राम है दिस विल सर्व द पर्पस, ये भी आपको बहुत अच्छी किस्म की प्रमोशन देता है अगर आपको यूटिलाइज करना आता है, अगर आपके पास आइडियाज अच्छे हैं, तो यू कैन मेक अ गुड डील आउट ऑफ इंस्टाग्राम। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी अवेयरनेस है, जितनी भी प्रमोशन है, वो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा एक्टिवली जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा प्लीज साकिब। थैंक यू। टिकटॉक और स्नैपचैट जो है वो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अंदाजा होगा कितना सारा कंटेंट यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे मीम्स बनती हैं, यहाँ पे फनी वीडियोस बनती हैं, यहाँ पे सीरियस कंटेंट भी आता है, यहाँ पे ब्रांड प्रमोशंस भी होती है, यू नेम इट, एवरीथिंग इज देयर ऑन टिकटॉक एंड स्नैपचैट। बट किस किस्म का कॉन्टेंट बन रहा है ये देखना एक ब्रांड का काम है, ये देखना एक इन्फ्लुएंसर का काम है कि मुझे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये एनालिसिस खुद करना होगा कि आपको एक जो कंटेंट बनाना है वो कितना एंगेजिंग और कैसा एंगेजिंग रखना है। देन द अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज ये प्लेटफॉर्म जो है ये बेसिकली फन वे में एक्सप्लोर किया जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें, मजेदार चीजें, विटी चीजें और मजाहिया चीजें शेयर की जाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकता। ब्रांड एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को, एक ऐसे टिकटॉकर को ऑन बोर्ड लेकर आए और उससे कहे कि मेरे ब्रांड को जरा लाइटर वे में अपने कंटेंट के अंदर इन्फ्यूज करो। कैसे करोगे? आपने देखा होगा लोग जो है वो ट्रांजिशन वीडियोज बनाते हैं, कितनी एडिटिंग स्किल्स या एडिटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो उनका कंटेंट जो है वो इतना एंगेजिंग बन जाता है उससे। सिमिलरली जब वो एक आइडिएशन पे बैठते हैं, जब वो स्क्रिप्ट के ऊपर बैठते हैं, जब सोचते हैं कि किसी भी ब्रांड की जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से अपने कंटेंट के अंदर की जाए, तो एक आइडिया जनरेट होता है जो कि ब्रांड के साथ किसी भी बिजनेस के साथ डिस्कस किया जाता है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए जाते हैं, ऑल्टरेशंस की जाते हैं, फाइनली वो कंटेंट शेयर होता है, उसके अंदर एंगेजमेंट आती है। उससे होता है क्या, ब्रांड को क्या फायदा होता है? ब्रांड को फायदा ये होता है कि उस इन्फ्लुएंसर का जो भी फॉलोअर काउंट है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, उसके अगर 2 से 5% ने भी वो पर्टिकुलर कंटेंट पीस देख लिया, वो वीडियो देख ली, तो एक बहुत बड़ा चंक
ऑफ मार्केटिंग जो है वो इसके थ्रू हो जाए। तो मार्केटिंग ऑन टिकटॉक इज वेरी वेरी इसेंशियल एंड कॉमन, आजकल बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी भी कभी भी टिकटॉक खोलिए, आपको हर 2 से 3 वीडियोस के बाद कोई ना कोई प्रोमोटेड कंटेंट जरूर दिखेगा, और जिसके कोई ना कोई टिकटॉकर जो है वो चार्जेस ले रहा होगा सर्विस के, और बिजनेस ब्रांड्स जो है वो चार्जेस उसको दे भी रहे होंगे। मगर क्या टिकटॉक हर ब्रांड के लिए जरूरी भी है, हर बिजनेस के लिए जरूरी भी है, ये डिसाइड करना आपका काम है या सोशल मीडिया मार्केटर का काम है या सोशल मीडिया मैनेजर का काम है। तो थोड़ा सा पीछे जाए दिमाग में और याद करें कि एक चीज मैंने जिक्र किया था, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में एलिमेंट्स होते हैं, प्रोसेस होता है, और परसेप्शन, इमेज या ब्रांड परसेप्शन होती है। क्या आप अपने ब्रांड को टिकटॉक पे प्रमोट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? क्या अपने ब्रांड को चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्रामर लिए जाएं या टिकटॉकर लिया जाए? ये आपको डिसाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन दी सीरियसनेस, डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांड इमेज एंड परसेप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। उसका ख्याल आपने रखना है। यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो चीज समझते नहीं है इन अ वे, और वो समझते हैं कि हर जगह एक ही किस्म का कंटेंट चल सकता है, मगर ऐसा नहीं है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंस है, हर प्लेटफॉर्म के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, या यूं कहिए कि लाइक्स हैं, और जिसमें वो इंटरेस्ट शो नहीं करते वहां पे वो चीज कभी नहीं देखते। अब सिमिलर कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे होता है वो हम लिंक्डइन पे कभी पोस्ट नहीं करते, क्योंकि लिंक्डइन की ऑडियंस जो है वो ज्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं। जो भी प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं वहां पे हम कभी भी टिकटॉकर वाला या टिकटॉक वाला कंटेंट नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि दोनों की परसेप्शन के अंदर, दोनों की इमेज के अंदर, दोनों की प्रेफरेंसेस और लाइकिंग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। साकिब प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। थैंक यू। अच्छा, व्हाई बिजनेसेस नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम ओवरऑल बात इसी के अराउंड कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ ब्रीफ रीकैप कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत होती क्यों है बिजनेस। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएशन। अवेयरनेस क्रिएशन क्या होती है? भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरा बिजनेस ये सर्विस प्रोवाइड करता है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो अगर आपको परचेज करनी हो, अगर आपको सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये हमारी डिटेल्स हैं, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये हमारा फोन नंबर है, और अगर चाहिए तो हमें हमें आप जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएशन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट केक्स बनाते हो अपने लोकैलिटी में, अपने मोहल्ले में, अगर अगर आपके मोहल्ले वालों को ही नहीं पता कि आप केक्स बनाते हैं तो खरीदेगा? उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आपको टारगेट रखनी पड़ेगी कि भाई मेरा एरिया ये है, इस शहर में मैं रहता हूँ, इस शहर में मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे एक मार्केटिंग कैंपेन जो है वो इसकी बना दें, मुझे मेरा एक एड जो है वो प्लीज रन कर दीजिए। वो सारी डिटेल्स आपको बिल्ट इन जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके एडवर्टाइजिंग टूल्स के अंदर मिल जाते हैं। आप वहां पर एक छोटी सी अपनी टेस्ट रन कीजिए कैंपेन, जैसे ही आपकी कैंपेन स्टार्ट हो आपको रिस्पॉन्स मिलना आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे इतना बिजनेस मिल सकता है, इतने लोगों को मेरे बारे में पता चल सकता है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें तो अगर कभी कुछ ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस के खिलाफ किसी ने गलत शेयर कर दी है, आप देखते होंगे बहुत से बिजनेसेस ऐसे मौजूद हैं जो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हमारा फलानी जो है वो कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो है वो फलानी फ्रेंचाइज से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हमारे नाम पे ही एक बिजनेस बनाया हुआ है, उसने वहीं से वो चीजें सेल कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये राइट इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। आप अपनी सक्सेस के, अगर आपने कोई अवार्ड विन किया है, कोई पाकिस्तान के अंदर अवार्ड हुआ, इंटरनेशनल अवार्ड हुआ, और वो आपने कोई कुछ जीता है वहां से,
वो आप अपनी सक्सेस जो है वो शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोग उससे अच्छा इंप्रेशन ही देंगे, लोग उससे इम्प्रेस ही होंगे, और ये इम्प्रेस होने से क्या होगा, आपको मजीद बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, क्लाइंट्स आपके बहुत सारे होंगे। आप उन क्लाइंट से कहिए मेरे बारे में कुछ टेस्टिमोनियल शेयर कर दें, आप एक लाइन शेयर कर दें, आप एक पैराग्राफ शेयर कर दें, आप एक अच्छी सी क्रिएटिव पोस्ट बनाइए जिसके अंदर आप उनकी पिक्चर लीजिए, बैकग्राउंड पे अपना लोगो डालिए, उनकी जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने आपके बारे में कहा वो शेयर कीजिए, उनको टैग कर दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म्स पे, और वहां से ये पता चलेगा कि किसी भी क्लाइंट ने आपके बारे में क्या पॉजिटिव बात की है। अगर वो क्लाइंट हैप्पी कस्टमर है तो दूसरे क्लाइंट्स भी आपके पास आ सकते हैं, मजीद बिजनेस मिलने के चांसेस होते हैं। सो क्लाइंट की वीडियो ले लीजिए, क्लाइंट की पिक्चर ले लीजिए, उसका एक स्टेटमेंट अच्छा सा ले लीजिए, अपने सोशल मीडिया के ऊपर शोकेस कीजिए, उस पे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रेट मिलता है, अक्सर ब्रांड्स को मिलता है। देन कनेक्शंस, हम बात करते हैं आर नेटवर्थ इज आर नेटवर्क, आपका नेटवर्क आपके कनेक्शंस कितने ज्यादा हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ कोई चीज शेयर करते हैं तो उनका एंगेजमेंट रेट बढ़ जाता है, जब वो अपनी फीड पे कुछ देखते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ, तो बाकी लोग जो उनकी फीड के ऊपर होते हैं, जो उनके कनेक्शंस होते हैं, वो उनके पास भी चांसेस बढ़ जाते हैं आपका कंटेंट पुश करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। देन फॉर कंटेंट मार्केटर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइस। व्हाट इज आइस? आई स्टैंड्स फॉर आइडिया, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएशन दैट इज कंटेंट, एंड ई स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट। आप एक आइडिया के ऊपर काम करें, आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, उसके बाद आप क्रिएट करें कॉन्टेंट, एक कॉन्टेंट बनाए अच्छा सा, एंड देन लोगों को उससे इंगेज करवाए। सो कंटेंट मार्केटर का टर्म यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया में भी कंटेंट का इस्तेमाल होता है, तो सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आप शेयर करें उसको मार्केट करें, तो आइस जरूर दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले आइडिएशन दैट इज आइडिया, कंटेंट क्रिएशन दैट इज आपका कंटेंट आपने बनाया, देन एंगेज, लोगों से एंगेज करें, चाहे वो कम्युनिटी ग्रुप्स के थ्रू करें जो हमने शुरू में बात की थी, चाहे वो आप प्रमोट करें, आप उस पे बूस्ट लगा दें कुछ अमाउंट का, आप उसको अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जो कि व्हाट्सएप हो गया, अब फेसबुक पे कोई चीज शेयर की है वो आप ट्विटर पे भी कर सकते हैं, वो आप लिंक्डइन के ऊपर भी कर सकते हैं, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी उसको प्लेस कर सकते हैं, तो एंगेजमेंट वहां से क्रिएट हो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमेन, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो भी शेयर करें उस पे इमोशंस का बहुत ख्याल रखिए, अगर कोई भी पोस्ट इमोशनल नहीं है उसकी एंगेजमेंट अक्सर कम होती है। आप देखते होंगे कैच फ्रेजेस होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उससे ये लगता है कि ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जो पेज है ये एक ह्यूमनिस्टिक टच लेकर आ रहा है अपने ऑडियंस के साथ, अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ। तो इमोशंस आर वेरी वेरी इसेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर प्लीज आइएगा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बहुत ही क्विकली सोशल मीडिया पावर पैक के ऊपर। सोशल मीडिया पावर पैक क्या है? नाम से अंदाजा हो गया होगा कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को या आपकी सोशल मीडिया जर्नी प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा फोकस में लेके चलती हैं। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए जिसका भी माइक ओपन है, थैंक यू। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स होती हैं, जैसे हमने पहले बात की गोल्स क्या होते हैं, गोल्स में सेल्स आती है, क्वेरीज आती हैं,
ईमेल्स आती हैं, वेबसाइट पे हिट्स आती हैं। वेबसाइट पे हिट्स का मतलब है कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स। वो मोर डिटेल्स जो होती हैं वो एक उसके सामने एक वेबसाइट का लिंक होता है। अगर लोग उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पता चलता है कि उस वेबसाइट उस सोशल मीडिया पोस्ट से कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। सो ये आपका एक गोल है। रिमेम्बर मैंने गोल के बारे में कहा था, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेल्स भी हो सकती है, वो ईमेल भी हो सकती है, वो कमेंट्स भी हो सकते हैं, वो इनबॉक्स के ऊपर जो आपको डिटेल्स मिलती हैं वो भी हो सकती हैं और ईमेल्स भी आ सकती हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो आपको गोल डिसाइड करना है अपना। गोल डिसाइड कीजिए, कैसे करेंगे, विजन होगा उसके पहले स्ट्रेटजी के ऊपर काम होगा, उसके साथ कंटेंट क्रिएशन होगी, कंटेंट क्रिएशन के साथ एंगेजमेंट कितनी आएगी, कैसी आएगी, दिस यू हैव टू डिसाइड। एंड देन सोशल मीडिया जर्नी की हम बात करेंगे। सोशल मीडिया जर्नी जो है वो काफी ही इंटरेस्टिंग होती है, वो एक तरह से नहीं की जाती। इट्स लाइक कि आप जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे थे, जिसको हम ट्रेडिशनल जर्नी कहते हैं या मार्केटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेकर आइए, किस तरह से आप एक चीज को मार्केट किया करते थे, कॉन्सेप्ट वहां से उठाएं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आइए। अपना जो आपकी आज की ऑडियंस है जो सोशल मीडिया यूज करती है, ऑब्वियसली उसके जो थिंकिंग पैटर्न है, उसकी लाइक्स हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। एक्सपेरिमेंट कीजिए। याद है मैंने कहा था एबी टेस्टिंग कीजिए, यानी कि आप एक ही प्रमोशन दो तरीके से रन करके देखिए, दो अलग अलग टारगेट ऑडियंस डाल के देखिए, दो अलग अलग रीजन्स डाल के देखिए, दो अलग अलग कॉपीज जिसको हम कहते हैं कैप्शन अलग अलग डाल के देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट चीज, तो उससे डिफरेंट रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होगा। डिफरेंट रिस्पॉन्स आपको बताएंगे कि कौन सा टोन, कौन सी राइटिंग टोन, कौन सी कम्युनिकेशन टोन जो है वो इंटरेस्टिंग है फॉर दी ऑडियंस और किस पे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देन ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन कितने एक्टिव हैं। किसी आपने एक पोस्ट की आज 4:15 बजे आपने एक पोस्ट की और उस पे आपको 4:30 पे एक इनबॉक्स आ गया कि जी मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में डिटेल्स चाहिए, या कमेंट आ गया 4:30 के ऊपर प्लीज शेयर मोर डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आपने जो रिस्पॉन्स है वो 2, 3, 4 घंटे बाद दिया या अगले दिन दिया जब आप ऑफिस आए या आपने आपको टाइम मिला देखने का, तो क्या हुआ ऑपरेशंस के अंदर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्सिव होंगे तो जो आपकी ऑडियंस है उसको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स फौरन मिल जाता है, इनका ऑपरेशन बहुत अच्छा है, इनके जो लोग पीछे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहे हैं वो बहुत जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैं जो भी क्वेरी अपनी डालूं उसका जल्दी रिप्लाई आएगा मुझे। याद है मैं ट्विटर के ऊपर मैंने कहा था मैं ट्विटर पे शेयर करता हूं, अगर मैं कहीं ट्रैफिक में फंस गया हूं तो मैं ऑल्टरनेट रूट लेता हूं। तो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि मैं कभी भी उनको मैसेज करूं 2 से 5 मिनट के अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है और मैं अपना रूट जो है उस हिसाब से चेंज कर लेता हूं। तो ये उनकी एक सक्सेस है, ये उनकी एक जर्नी है जो जब से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि हाँ जी आप इन लोगों से पूछ लें, इस ट्विटर प्रोफाइल से पूछ लें, या इस ब्रांड से पूछ लें, इस कंपनी से पूछ लें, ये आपको एक जल्दी फीडबैक प्रोवाइड करेगी, सही भी होगा और जल्दी भी। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सोशल मीडिया जर्नी शायद सुनने में दिखने में बहुत आसान लगे मगर इसके अंदर बहुत छोटी छोटी और बहुत इसेंशियल चीजें मौजूद होती हैं जिनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। फाइनली इस जर्नी के अंदर होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ये है कि मैं अब कहीं और किसी और को मैसेज करने से पहले, या किसी और को मैसेज करने का नहीं सोचता, मैं इन्हीं को मैसेज करता हूँ, एक पर्टिकुलर ट्विटर प्रोफाइल को मैसेज करता हूँ, तो वो उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया मुझ पे, यानी कि मैं उसकी एक ऑडियंस बन गया, मैं उसका एक कस्टमर बन गया। यही चीज मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होती जो मुझे चाहिए होती, मैं कहता कि इस वेबसाइट पे जाके या इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके डिटेल्स चेक कर दो,
और बोलो कि मुझे शाम में 5 बजे 6 बजे 8 बजे ये चीज चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बेकरीज ऐसा करती हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसा करते हैं, बहुत से होटल्स ऐसा करते हैं कि आप उनको ऑर्डर प्लेस कीजिए और वो आपको कहते हैं कि जी इतने टाइम में आपको डिलीवर करा देंगे। सो दैट इज द इम्पैक्ट विच दे हैव अगर वो सक्सेसफुल होते हैं अपनी कमिटमेंट के अंदर। तो सोशल मीडिया पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हो, कितना जल्दी क्रिएट करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसपे हर कोई डिस्कशन करना चाहता है, बिजनेस के एस्पेक्ट्स, जो के ओनर्स बैठे हुए हैं, जो के बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जिसके और लोग हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी है कि आपने जितना पैसा लगाया क्या आपको उसके एतबार से रिटर्न मिल रहा है, सवाल है बिजनेस मिल रहा है या नहीं। अगर आप $5 लगाते हैं क्या आपको उसके हिसाब से अर्निंग हो रही है? कोई भी बिजनेस विदाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई एक्टिविटी नहीं करता। उसको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो इसके लिए मल्टीपल टूल्स आते हैं। आप इसका फेसबुक का अपना टूल है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने सीपीसी की बात की, कॉस्ट पर क्लिक की बात की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपने $1 स्पेंड किया है तो आपको उस पर कितने क्लिक्स मिले हैं, यानी कि कितने लोगों तक आपकी बात पहुंची है, कितने लोगों ने आपके आपकी पोस्ट को देखा है और उसके साथ एंगेजमेंट की है। सो ये वो चीजें हैं जो कि एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग के अंदर शामिल होती हैं। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने एंगेज किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट करके पूछा, कितने लोगों ने इनबॉक्स में कोई चीज पूछी है, कितने लोगों ने आपके बारे में दूसरे लोगों को बताया, शेयर कितने लोगों ने किया है। ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस की एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। सो कीप दैट इन माइंड, और जब भी कोई सोशल मीडिया प्लान बनाए तो उसकी रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के बारे में जरूर सोचिएगा बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपकी कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन हिट है, फ्लॉप है या बस नॉर्मल चल रही है। एंड देन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है लिसनिंग एंड एंगेजमेंट। लिसनिंग की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लोग आपके ब्रांड के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, यू लिसन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कैसे? ट्विटर के ऊपर आप जाइए, आपका बिजनेस का नाम है लेट्स से एबीसी, तो आप #ABC को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, जितने प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, सबसे पहले ये हैशटैग रन कीजिए। इस हैशटैग पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रॉ इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी जिसपे आपको पता चलेगा कि आपकी कस्टमर्स, आपकी टारगेट ऑडियंस, आपकी पोटेंशियल ऑडियंस, आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या बात करते हैं। अगर कोई सर्वे, कोई आपकी प्रोडक्ट की कोई खराबी है, एक शख्स ने तस्वीर खींची और वो ट्विटर के ऊपर डाल दी, #ABC इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, #AB आई परचेज, या मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय ABC खरीदी थी और देखें ये तो खराब निकली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपकी ऑडियंस को, आपके कस्टमर्स को फेस करने को मिल रही है। अब इसके लिए आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्यों? आपने नेगेटिव इमेज बिल्डिंग नहीं करनी है। सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक ये भी है कि अपने बारे में नेगेटिविटी नहीं फैलानी। आप उनसे कांटेक्ट करें, चाहे कमेंट करें, चाहे आप उनको इनबॉक्स में डिटेल्स भेजें कि प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम थी, हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आप हमें अपने कंसर्न्स बताइए। सो यू आर बेसिकली टेकिंग देयर रिस्पॉन्स, टेकिंग देयर फीडबैक। तो जब आप किसी का फीडबैक लेते हैं तो सामने वाले को ये अंदाजा होता है कि हाँ ये हम ये सीरियस है और ये चीज अपनी इम्प्रूव करना चाहता है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो कनेक्शन, वो जो यूजर है, वो जो प्रोफाइल है, वो आपके साथ कनेक्ट हो गई, आपसे उसने बात की और आप हो सकता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज भेज सकते हैं। ये है पीआर टैक्टिक जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की जाती है। तो आपने जब उसको कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज भेजी
तो इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो जो उसने कंप्लेन ऑनलाइन पोस्ट की है वो अपनी प्रोफाइल से जाके डिलीट कर दे। तो आपके हवाले, अब ये आप डिमांड नहीं कर सकते, मगर ये आप सबलिमिनल वे में आप उनसे कह सकते हैं कि माई तरफ से अगर गलती हो भी गई है तो वी आर सॉरी फॉर दैट। और ये मेरे ख्याल से अपने फेसबुक या ट्विटर जो इस्तेमाल करते हैं, जो फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर हैं, बहुत से फूड ग्रुप्स हैं, बहुत से जो है वो टेक ग्रुप्स हैं, जो ये कहते हैं कि अगर आपको चीज सही नहीं मिली है तो हम आपको दोबारा भेज देते हैं, और वो उसका हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, उसकी डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम आपको दोबारा भेजते हैं, क्योंकि दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज अ कस्टमर और दे डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट अ नेगेटिव साउंड अबाउट देम ऑन द सोशल मीडिया यूनिवर्स। इसके लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मैं बताता हूँ वो टूल कौन कौन से हैं। एक है हूटसुइट, HOOTSUITE, एक हूटसुइट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल अलर्ट्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं, गूगल अलर्ट्स फ्री है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर इज सोशल चैम्प्स, SOSILCHAMPS, सोशल और चैम्प्स, चैंपियंस का चैम्प्स, सोशल चैम्प्स, हूटसुइट, गूगल अलर्ट्स, ये वो बेसिक टूल्स हैं जिनसे आपको किसी भी ब्रांड के बारे में जो है वो डिटेल्स मिल सकती हैं, लोग उसके बारे में ऑनलाइन क्या बात कर रहे हैं वो मिल सकता है, वेबसाइट पे कुछ अपना किसने पब्लिश किया है वो क्या पब्लिश किया है। दीज आर वेरी इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट यू कैन यूज। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइएगा साकिब। थैंक यू। अब ये कौन कौन से टूल्स हैं जो के, या कौन कौन से मीडियम्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। बहुत क्विकली इसका ओवरव्यू दूंगा। अगर वीडियोस हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर, सबसे पहले तो आपकी चॉइस यूट्यूब होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट्री है, DVC है, डिजिटल वीडियो कमर्शियल है, या टेलीविजन वीडियो कमर्शियल है, आप इसको अपने यूट्यूब पे कीजिए शेयर, वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जो फन बेस्ड एक्टिविटीज हैं आपके ऑफिस की, आपकी सक्सेस जो है, आप किस किस्म का एटमॉस्फेयर अपने ऑफिस में रखते हैं, आप किस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, आपकी ईद की कोई ईद मिलन पार्टी हो गई, आपका 14 अगस्त के ऊपर कोई इवेंट हो गया, आपका 23 मार्च को कोई केक कटिंग सेरेमनी हो गई, आपकी टीम किसी विजिट पे गई है, कोई पिकनिक हो रही है, कोई गेम्स डे चल रहा है, स्पोर्ट्स डे चल रहा है, इनकी पिक्चर्स आप अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। पिंटरेस्ट नॉर्मली बिजनेसेस यूज नहीं कर रहे होते। सिमिलरली लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल किस्म की जो कंटेंट है वो शेयर कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर आप जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई नेगेटिव किसी ने बात की है तो आप उसको निगेट कर सकते हैं, आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि ये जो है गलत है या ये सही नहीं है, आप ट्विटर पे वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज आइएगा साकिब। सोशल मीडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो एक और होती है, जो कि बिजनेसेस देख रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया मैनेजर के थ्रू अचीव करना या अटेन करना, वो है नरेटिव बिल्डिंग। नरेटिव बिल्डिंग क्या होता है, याद है मैं ब्रांड परसेप्शन की बात कर रहा था, ब्रांड परसेप्शन बिल्डिंग की बात कर रहा था, इमेज बिल्डिंग की बात कर रहा था, उसी तरह एक चीज है नरेटिव बिल्डिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप किस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी लेकर आते हैं, उसको किन किन एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, वो नैरेटिव बिल्डिंग के थ्रू। कोई ब्रांड तब तक स्ट्रांग नहीं बनता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब तक उसके पीछे एक स्ट्रांग नैरेटिव ना हो। एग्जाम्पल ऐसे दी जा सकती है कि कहीं पे कोई किसी शख्स के साथ कुछ ज्यादती हो गई, उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना ब्रांड की तरफ से, उसको थोड़ी सी सपोर्ट दे देना किसी भी किस्म की, वो इमोशनल भी हो सकती है, वो मॉनेटरी भी हो सकती है, वो शायद जॉब भी हो सकती है,
उसको अपनी सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करना है कि वो बुरा भी ना लगे, वो बहुत ज्यादा प्रोमोशनल भी ना लगे और लोग उससे इमोशनली कनेक्ट भी करें, क्योंकि लोगों को आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पॉजिटिव साइड जो है वो शेयर करनी है, अपनी इमोशनल साइड शेयर करनी है। इससे उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है आपके ब्रांड के लिए। तो नरेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से एक सीधी सी न्यूज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इमोशनल बना के प्रेजेंट करना है, दैट इज नरेटिव बिल्डिंग। नेक्स्ट उस पर आइएगा प्लीज, स्लाइड के ऊपर। ओके जी, सो दिस इज एक्चुअली द स्लाइड जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको अपना एक तरह से उससे अपनी बिजनेस कह लीजिए या अपनी सर्विस कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड कराए जाते हैं, बिजनेसेस हैशटैग ट्रेंड कराते हैं। मैं पिछले 5 6 7 साल से ये हैशटैग्स ट्रेंड करवाता हूँ। आई हैव अ टीम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो कोई भी ब्रांड हो, उसको अपनी कोई डीवीसी कोई वीडियो शेयर करनी है, उसको अपनी कोई नई प्रोडक्ट शेयर करनी है, उसको अगर अपने बारे में कोई इमेज बिल्डिंग करवानी है, कोई एक्टिविटी आ रही है वो उसको प्रमोट करवाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ लोगों को कांटेक्ट करेगा और कहेगा मुझे इस हैशटैग के ऊपर अपने आप को ट्रेंड करवाना है और मैं आपको इसके इतने पैसे दूंगा, तो वो सर्विस चार्जेस है। अब ट्विटर पर ट्रेंडिंग किस तरह से होती है, एक टीम लीड होता है जो कि नॉर्मली ब्रांड उससे कांटेक्ट में होती है, वो लेकर आता है ऑन बोर्ड मल्टीपल प्रोफाइल्स को, ट्विटर के ऊपर मल्टीपल प्रोफाइल्स को लेकर आता है, किसी के 10,000 फॉलोअर हैं, किसी के 50,000 फॉलोअर्स हैं, किसी के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, और इस किस्म की एक्टिविटीज से होता यह है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो चार्ज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स वो रेंज करता है, मतलब कहीं से भी आप अगर इसको पैटर्न उठा के देखें तो लोग महीने में 10 12 15 25 ट्रेंडिंग्स कर रहे हैं, एक दिन के में जो है वो लोग दो दो तीन तीन ट्रेंडिंग्स कर रहे होते हैं। तो ईद आ रही है, कितने सारे ब्रांड्स हैं जिनको अपना अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है, कोई फूड ब्रांड है, कोई जो है वो बच्चों का ब्रांड है, कोई जो है वो गारमेंट्स का ब्रांड है, इन सबको कोई जो है वो FMCG है, कोई बैंक है, इन सबको अपने ब्रांड्स प्रमोट करने हैं। कैसे करेंगे, ये ट्विटर ट्रेंड के थ्रू करेंगे, ट्रेंड करवाया जा सकता है, वो हैशटैग जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द बजट द टास्क हैज बीन असाइंड, उसके थ्रू वो बजट होता है और ट्रेंड करवा लिया जाता है। तो जितने लोग उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में, उसके न्यू फीचर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, दिखना शुरू होता है कि हाँ भाई इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, और ये जो है वो पर्टिकुलरली एक हैशटैग ट्रेंड है। पहला तरीका तो ये है इस प्लेटफॉर्म के लिए ट्विटर के ऊपर। दूसरे पर आते हैं इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस एंड स्टोरीज। जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली अब इस्तेमाल की जा रही है, लिंक्डइन पर भी मौजूद हैं लोग, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, टिकटॉक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, एनी वेयर यू गो आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, अपनी अपनी फील्ड के मिलेंगे। अब तो यहाँ पर ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो रिलीजियस उसको ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो रिलीजियस एक्टिविटीज भी हो रही हैं, अगेन देयर आर मल्टीपल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्फ्लुएंसर्स को पे कर रही हैं कि आप हमारे बारे में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव ट्वीट्स कीजिए, पॉजिटिव वीडियोस डालिए, पॉजिटिव फेसबुक पोस्ट डालिए एंड वी विल पे यू, मगर उसके लिए आपकी प्रोफाइल को एक पर्टिकुलर लेवल पे होना बहुत जरूरी है। आपको अगर इंस्टाग्राम की बात करें, आपकी रील्स जो है
रील्स के ऊपर किस किस्म का कंटेंट शेयर किया जा रहा है। रील्स पे आप देखें, अपनी एक ऑडियंस बनाएं, अपनी एक टारगेट मार्केट बनाएं, अपनी एक नीश बनाएं, और फिर ब्रांड्स को अप्रोच कीजिए ताकि उनको भी अंदाजा हो कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करना जानते हैं और इस टॉपिक के ऊपर आपके पास काफी चीजें हैं बोलने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए, फेसबुक पेजेस मौजूद हैं, फेसबुक पेजेस के ऊपर जो है वो प्रमोशन होती है, फेसबुक पेज के ऊपर कोलैबोरेशंस भी होती हैं, फेसबुक पेज के ऊपर आप अपना आगे जितने ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, जितनी ज्यादा आपकी इंगेजमेंट है, उस हिसाब से अपनी एक बजटिंग कर सकते हैं, आप प्रमोट कर सकते हैं अपने आइडिया को, आप शेयर कर सकते हैं बिजनेसेस के साथ अपना ये आइडिया, और इस तरह से आप वहां भी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं उन सवालात के ऊपर जो मेरे ख्याल से आए हुए हैं, किसी के या यूं कहिए कि जो भी सवालात हैं आप मुझसे अब शेयर कर लीजिए, ताकि मैं वो वन बाय वन उनका आंसर देता जाऊं। आज से 10 साल बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए अरसलान, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग छोड़िए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया यूज करते हैं? अगर करते हैं तो आप एक टारगेट ऑडियंस है सोशल मीडिया के लिए जो कि एग्रेसिवली एक्टिवली यूज कर रहे हैं। देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, जो इस वक्त बच्चे छोटे हैं, आप देखें अगर उनको, तो वो सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा बच्चा होता है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, यूट्यूब भी देख रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है चीजों को, तो सोशल मीडिया इज हेयर टू स्टे। मैंने सोशल मीडिया जब 2004 या 5 में स्टार्ट इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उस जमाने में ऑर्कट होता था, हाई फाइव होता था, ट्रेंस्टर होता था, और नया नया फेसबुक आया था, लिंक्डइन और फेसबुक नए नए आए थे, तो लगता था कि ये बस टाइम वेस्ट करने की चीजें हैं। अब मैंने वो चीजें सुनी है कि क्या सोशल मीडिया बैठ के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ बाहर, जाओ बाहर जाके प्रमोशन करो, टीवी के ऊपर एड्स लगवाओ, तुम जो है वो पंपलेट्स पटवाओ, तुम जो है वो होर्डिंग्स लगवाओ, तो वो चीजें उस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं थी लोगों के लिए क्योंकि नया था। मगर अब मैं अगर देखता हूँ इस बात को, 2005 को, 2006 को, ऑलमोस्ट 20 नहीं तो 18 साल तो हो चुके हैं, 13-18 साल हो चुके हैं, 13-18 साल से एक चीज चल रही है और इतनी एक्टिव चल रही है कि आप देखें आजकल अखबारात कितने लोगों के घर में आते हैं, कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो जो रीडिंग जो है वो पेपर के ऊपर करते हैं, डाइजेस्ट कौन लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लोग सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, लोग एप्स के ऊपर जाते हैं, लोग ऑनलाइन ये चीजें शेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ये चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो सिमिलरली आपका सवाल का जवाब बहुत बेसिक है कि सोशल मीडिया इज हेयर टू स्टे फॉर एज लॉन्ग एज पीपल आर कम्युनिकेटिंग ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लोगों ने फोन करने छोड़ दिए, लैंडलाइंस छोड़ दी, लोगों ने सोशल मीडिया मैसेज ड्रॉप करने शुरू कर दिए, सो इट्स हेयर टू स्टे। एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसमें और बहुत ज्यादा चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें प्लेटफॉर्म्स भी मजीद बन रहे हैं, उसमें मैसेजिंग के तरीके भी नए नए आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया या यूं कहिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इज हेयर टू स्टे। डिजिटल के अंदर क्या है जो मैंने बताया था, कंटेंट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों चीजें आप मिला लीजिए, इनमें से कोई एक भी हल्की फुल्की होगी तो मसला हो जाएगा। तो डिजिटल इज हेयर टू स्टे, और डिजिटल अगर स्टे करेगा तो उसमें सोशल मीडिया और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी स्टे करेंगे। आपने बात की है, मेरे ख्याल से कौन सा है ये,
कि सेवन सीज, इमरान अकरम साहब, सेवन सीज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर ये जो सेवन सीज हैं ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, या पहले हम जब पढ़ रहे थे एमबीए कर रहे थे तो उस वक्त सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशंस होते थे, फिर नाइन सीज ऑफ कम्युनिकेशंस आ गए, फिर इलेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन आ गए। ये अगर मैं इसको सिंपल सी बात बताऊं, ये वो टर्म्स हैं जो लोग अपने ब्लॉग्स पे डालने के लिए या अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ना रोजी और बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए प्रेजेंट करते हैं। टेक्निकली ये सेवन सीज, एट सीज, नाम लेने के तौर पे कहेंगे तो वो रट्टू तोते की तरह जो चीज होती है ना, कम्युनिटी हो गई आपकी, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल हो गया आपका, आपका कंटेंट हो गया आपकी, एक चीज होती है कंटेंट क्यूरेशन, वो हो गई आपके, कितने कनेक्शंस हैं आपके, कितनी, जो मैंने एक बात की थी नेट वर्थ इज योर नेट वर्क, तो ये कनेक्शंस आपके कितने हैं, और जो मैं सेल्स की बात करता हूँ, क्लोजर्स की बात करता हूँ, तो ये कन्वर्जन्स के, अगर आप इन सबको एक सी के फॉर्मेट के ऊपर ले आए तो ये सारे वो नाम बन जाएंगे। और इसके अलावा और भी चीजें हैं, आप कितना कंसाइज है आपका कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी कितना जरूरी है। तो अगर एक कम्युनिटी होगी वहां पर आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे, जो आपके कनेक्शंस देखेंगे तो उसके साथ कितनी कन्वर्जन हो सकती है, वो कितना प्रॉपरली क्यूरेटेड कंटेंट है, ये वो पांच छह सात जो है वो सी हैं जिसको आप कह सकते हैं। मेरी नजर में ये 9-10 सीज बन चुके हैं, और अभी आने वाले वक्तों में ये और ज्यादा इंक्लूड हो जाएंगे और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। और जहां तक बात है रट्टू तोते की, भाई जिसको सिर्फ याद करना है, बोलना है जबान, ये देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होता है कि प्रॉब्लम आती है वो पहले जाके प्रॉब्लम को ना वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करता है, और आजकल चैट जीपीटी के थ्रू लिखवा लेता है, तो वो लिखवा के जो जवाब मिलता है वो अगले दिन सुबह मीटिंग में जाके लोगों को जो है ना वो फर फर सुना देता है, क्योंकि उसने याद किया हुआ होता है बाय हार्ट, दैट इज रट्टू तोता। और एक होता है जिसने एक्सपीरियंस की होती है चीजें, उसको ये पता होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसमें से निकलूंगा कैसे, वो आपको बताता है अपने आसान अल्फाज के अंदर बगैर चीजों को मुश्किल किए। तो एक रट्टू तोता जो है वो सिर्फ मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो है वो लेकर आता है, जो कि उसको ऑनलाइन मिल जाते हैं, किसी किताब में मिल जाते हैं, और वो आके थ्रो करना शुरू कर देता है। और दूसरा शख्स होता है वो कहता है अरे यार कोई मसला ही नहीं है इस चीज के अंदर, आप यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप जो है वो इसको इस तरह से क्यों नहीं देख, आपकी बाइक खराब हो जाए आप क्या करेंगे, तो वो रट्टू तोता कहेगा जी पहले तो आप इसका ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, फलाना चेक करेंगे। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा वो कहेगा भाई आप जो बंदा जो काम जानता है उसके पास लेके जाए, वो उसको सही करके। एनीवेज ये तो एक वो थोड़ा सा ऑफ वो हो गया, मगर अगर और किसी के कुछ सवालात हैं तो मेरे ख्याल से वो कीजिए, ताकि फिर हम इसको जल्दी से रैप करें। 10 मिनट का ब्रेक मुझसे रिक्वेस्ट की थी इन्होंने, साकिब ने, मैंने कहा था ब्रेक नहीं लेंगे, आखिर में 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, क्योंकि एक तसलसल होता है तो मेरे ख्याल से सबको ज्यादा इजिली समझ में आती हैं चीजें, और एक इन वन गो समझ जाते। सो अगर किसी ने और कोई सवाल पूछना है प्लीज सवाल कीजिए, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें फिर रैप करें। आप पूछ रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अर्निंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में बताएं। अच्छा वरदा, सबसे पहले मैं अब बेसिक बेसिक पॉइंट बताता हूँ। चलिए आप एक काम कीजिए, या और जो भी लोग अर्न करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप आ जाएं, पहले ट्विटर के ऊपर, ट्विटर पे एक प्रोफाइल बनाइए, ट्विटर पे उस प्रोफाइल पे अपने बारे में चीजें शेयर कीजिए, जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप वो शेयर कीजिए। अपनी ट्विटर की प्रोफाइल के फॉलोअर्स बढ़ाइए, सबसे पहले फॉलोअर्स बढ़ाइए, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपकी जो वेटेज होगी वो स्ट्रांग होगी, जब वेटेज स्ट्रांग हो गई
तो फिर आप जो भी लोग कैंपेन्स कर रहे होंगे ट्विटर के ऊपर, बहुत लोग कैंपेन करते हैं, आप किसी से भी ये कह सकती हैं कि मेरी ये प्रोफाइल है, मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास इतनी एंगेजमेंट आती है, प्लीज आइंदा आपकी कोई कैंपेन आए तो आप मुझे जरूर एंगेज कर सकते हैं। तो हर सोशल मीडिया ट्रेंडिंग के ऊपर या ट्विटर ट्रेंडिंग के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी आपके साथ, जो भी आपको काम दे रहा है, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो तो कितने प्रोजेक्ट कर रहा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप आ जाए इंस्टाग्राम के ऊपर, अगेन सेम फॉर्मूला। इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट डालिए, वीडियोस, पिक्चर्स, इंटरेस्टिंग चीजें, चाहे तो अपने बारे में, चाहे तो अपने बिजनेस के बारे में, चाहे तो अपने इंटरेस्ट के बारे में। आप अपने इन्फ्लुएंसर, अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए, फॉलोअर्स बढ़ाएं, उसके बाद आप ब्रांड्स को अप्रोच कीजिए जो इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं, इनबॉक्स कीजिए कि देखें ये मेरी प्रोफाइल है, आई वांट टू प्रमोट योर बिजनेस, आई हैव मल्टीपल आइडियाज, आप प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आपसे आइडियाज शेयर कर सकूं और फिर मैं आपको जो है वो एक यूं कहिए कि प्रमोट कर सकूं आपके बिजनेस को। उसके वो चार्जेस आपको देंगे अगर उनको आपकी प्रोफाइल समझ में आती है, अगर उनको आपका कॉन्टेंट समझ में आता है। सो वेरी मच इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। सो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आ रहा होगा। शिराज आलम साहब पूछ रहे हैं कि आई हैव अ यू, नहीं भाई मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत एक्टिव हूँ, जिसमें ट्विटर है, इंस्टा है, फेसबुक है और लिंक्डइन है, मैं यहाँ पे काफी एक्टिव होता हूँ। सो अगर किसी को भी कोई चीज पूछनी हो, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी वाया माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और YouTube चैनल एक जमाने में बहुत पहले था, आज से कोई 10-15 साल पहले, मगर फिर उसको परसू नहीं किया गया क्योंकि YouTube में पाकिस्तान की जो थोड़ी सी डायनामिक्स है वो डिफरेंट है, इसलिए मैं YouTube पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और क्योंकि जॉब भी कर रहा होता हूँ, प्रोजेक्ट्स भी कर रहा होता हूँ, ब्रांड्स को प्रमोट भी कर रहा होता हूँ, ट्रेनिंग्स भी दे रहा होता हूँ, तो हर जगह के ऊपर मौजूद होना काफी मुश्किल हो जाता है। ये स्लाइड्स मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, खासा साकिब से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो मौजूद हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, मैं फेसबुक पे भी काफी एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे क्योंकि प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो मैं इनबॉक्स के ऊपर काफी क्वेरीज का रिस्पांस दे रहा होता हूँ, मेन फीड पे थोड़ा कम देता हूँ। और अगर आप मेरा नाम शफीकुल हसन सिद्दीकी सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। 10-12 पेजेस तक मेरे ख्याल से आपको मेरे लिंक्स कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, जिसको भी जो कॉन्टेक्ट करना हो, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन हो, कभी कोई चीज कुछ समझ में नहीं आ रही हो, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। सो मेरे ख्याल से ये सारे सवालात थे, अगर मैंने किसी का सवाल मिस कर दिया है तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिए। इन 5 मिनट्स लेट्स से वील रैप थिंग्स अप, और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज जरूर बताइएगा, और कहीं जो इम्प्रूवमेंट है मुझे वो भी बताइएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे ऑडियंस है जनरली उसको। पाया जाता है चलाओ इत्तेदाई ताबीनात की तरबियत हासिल करते हैं, तभी इतनी जल्दी है और इन्हें नया। अच्छा, मैं कितनी अर्निंग करता हूँ, या किसी से भी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मैं कितनी अर्निंग करता हूँ। देखें, इतनी करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, इज्जत बरकरार है, कायम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, हर जरूरत की चीज जो है वो हो जाती है, तो इसका मैं यही जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया, और अगेन किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, यू गाइज कैन ऑलवेज आस्क थ्रू माई सोशल नेटवर्क्स। साकिब आप क्या कहते हैं, अब इसको रैप करना चाहिए या अभी किसी के सवाल हैं तो प्लीज हमसे शेयर कर लीजिए ताकि ये जी चीज क्लियर हो जाए। सर जी, अगर किसी का सवाल है तो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, बिल्कुल अभी बिल्कुल, 46 मिनट्स हुए हैं। अगर चैट में कुछ हाँ लोगों ने बिल्कुल, किया हुआ है, इसके अलावा अगर कुछ इस तरह करना चाहते हैं वॉइस में तो वो भी कर सकते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जो आसानी हो। चैट जी मैंने अभी सामने खोली हुई है, समय चैट ही देख रहा हूँ, तो चैट पे जो भी सवाल आ रहे हैं मैं उनको
देखे जा रहा हूँ, उन्हीं के रिस्पॉन्सेस दे रहा हूँ। तो अगर कोई सवाल किसी ने शुरू में मुझसे किया जब मैं स्लाइड्स गो थ्रू कर रहा था और उसका जवाब मैं नहीं दे सका अगर, तो मुझसे वो दोबारा सवाल पूछ लीजिए। वरदा ने अर्निंग का पूछा था, फिर एक सेवन सीज वाला क्वेश्चन था, एंड देन फिर मेरी अर्निंग का क्वेश्चन था। तो ये सारे जो है वो अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप अगर सर्च कर सकें तो शफीक सिद्दीकी ऑफिशियल, ये आप सर्च कीजिए, आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है या जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल मिल जी जाएगी। साकिब आप ये स्लाइड्स इनको प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल सर, हम जो पार्टिसिपेंट एक्टिव हैं इस टाइम, इन सबको हम स्लाइड जो रिकॉर्डिंग या वो सेशन के बाद सेंड करते होते, इनको फिर मिल जाएंगे। जो इस स्लाइड या इस ट्रेनिंग में मौजूद थे उनको मेरी हर प्रोफाइल लिंक्डइन वाले पेज के ऊपर मेरी प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट दी हुई है, फेसबुक ठीक, के ऊपर भी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है हैंडल के साथ, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी दिया, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ब्रशेस का नहीं बता रहा था, मेरे ख्याल से ब्रशेस शायद सुनने में कोई गलती हो गई होगी, ब्रशेस की मैंने कोई बात नहीं की थी। अच्छा, स्लाइड के आखिर में बस एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आप सब लोग एक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर साकिब जी मैं आखिरी करता हूँ, पेज जो है कर सकते हैं, ठीक है? नहीं नहीं मैं तो जब करता हूँ सर। इस्तेमाल करेंगे ना, चलें ओके, सही। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इससे पहले वाली स्लाइड है साकिब, क्वेश्चन से पहले वाली ये। अच्छा जी, सबके लिए ये एक क्या कहना चाहिए, की टू सक्सेस मैं उसको कहूंगा। मुझे ये पिछले 10 साल से मेरे काम आ रही है कि मैंने 10 साल पहले इस पे काम करना शुरू किया था और मैं आज तक काम करूँ, 2013-14 से एक तरह से आप समझिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। कंटेंट एंड सोशल मीडिया कैलेंडर, ये होता है प्लान एंड पब्लिश के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मैंने प्लेटफॉर्म की हेडिंग डाली है, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जिससे मुझे पोस्ट करना है, मैंने टाइम की हेडिंग डाली है, कितने बजे करनी है, कंटेंट टाइप क्या होगा, ऑफर है, वीडियो है, सिर्फ खाली कॉन्टेंट है यानी कि कैप्शन है, देन वीक कौन सा है। अब पहला वीक है मंडे से लेके फ्राइडे तक का, उसकी डेट मुझे डालनी है, और क्या कॉपी है, कॉपी का मतलब कैप्शन क्या होगा उस पोस्ट पे जाने के लिए, और फिर उसके सामने जब वो पोस्ट हो जाएगी तो उसका लिंक क्या होगा और उसका अप्रूवल क्या। ये वो चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अगर आप जॉब कर रहे हैं, और पर्सनल के लिहाज से अगर मैं बात करूं, पर्सनल के लिहाज से बात करूं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स लड़कों ने खोले हुए हैं, लड़कियों ने खोले हुए हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स ने भी खोले हुए हैं। वो अपना कंटेंट कैलेंडर ऐसे बनाते हैं कि उनको आज की तारीख में या उनको 5 तारीख को फलाना कंटेंट जो है वो पोस्ट करना है, किस बारे में होगा, उसका लिंक क्या होगा, उसके सामने लाइक्स कितने होंगे। ये आपका एक कहते हैं ना, वन व्यू में आपको पता चल जाए कि आपकी इंगेजमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे आई है। इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आप इंस्टाग्राम ऐड करना चाहें इंस्टाग्राम ऐड कर दें, इसमें आप टिकटॉक ऐड करना चाहें टिकटॉक ऐड कर दें। सो अगर हमेशा प्रोफेशनल फील्ड में एक्टिव, कामयाब और यूं कहिए कि आगे से आगे रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, इस कंटेंट कैलेंडर या इस सोशल मीडिया कैलेंडर को कम से कम 2 हफ्ते पहले कंप्लीट करके रखें। आपको पहले से पता हो कि मैं 2 हफ्ते बाद क्या पोस्ट करने वाला हूँ, ताकि उसको बनाने में आप 2 हफ्ते पहले चीज बना के कर चुके हैं, और जो जैसे होता है ना कि बहुत ही इमीडिएट बेस पे कोई चीज चाहिए होती है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, अचानक से कोई चीज हुई, तो उसको आप छोटा सा एक उसकी वीडियो बना के उसका कंटेंट बना के बीच में कभी पोस्ट कर सकते हैं। तो समझिए आपका 90% या 80% आपका कंटेंट स्केड्यूल हुआ हुआ है पहले से जिसके ऊपर आप काम कर चुके हैं, 10-20% आपका कंटेंट जो है जो कि एज एन वेन की बुनियाद पे आता है कि जब हो गया
कुछ स्टार्ट हुआ, आपने उसके बारे में कर दिया, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, आपने उसके बारे में कुछ पोस्ट करना है, आपने वो फॉरवर्ड कर दिया, वो शेयर कर दिया, आपकी कोई राय है आपने वो शेयर कर दी। ये 10 से 20% का कॉन्टेंट जो होता है ये आप सेफ साइट पर रखते हैं कि जब होगा तब पोस्ट कर देंगे। तो इसको जरूर अपने दिमाग में रखिए, जो कंटेंट एंड सोशल मीडिया कैलेंडर है ये अगर जो बिजनेस ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत फायदेमंद होगा, पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक आखिरी चीज है विच यू गाइस शुड ऑलवेज यूज, और बस मेरी तरफ से दैट्स इट। अगेन आई एम आस्किंग इफ देर इज एनी क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए, ताकि इट्स 4:52 हम इसको सही टाइम पर रैप भी करते थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। ऑल पार्टिसिपेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ट्रेनिंग में आए और आई होप कि आपने कुछ इससे सीखा होगा। फीडबैक फॉर्म आपकी ईमेल्स पे जो शेयर कर दिए गए हैं, काइंडली जो है वो उसको फिल करके आप हमें रिटर्न कर दीजिएगा रिप्लाई में, कि अगर इसमें कोई हम इम्प्रूवमेंट कर सकें तो, ताकि नेक्स्ट हम इसको इम्प्रूव कर लें और वो सर के लिए भी हेल्पफुल होंगे। और आखिर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जो रिकॉर्डिंग और जो स्लाइड्स हैं वो आपको ईमेल पर हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। Thank you everyone. Thank you so much everyone. Have a great day. Have a nice weekend. Allah.